फॉर इंद्रक्त रसायन, प्रथम और द्वितीय इंद्रक्त रसायन, और डी फॉर है द्रणी प्रावसी, और टी कुछ नहीं है, ए फॉर आचार रसायन। तो इस तरह का चार योग वर्णन है इस चैप्टर में, जो चौथा पाद में जो नाम है क्या है, आयुर्वेद समुत्थानीय श्वसायन पाद। ठीक है, आपका कोड के साथ बताया था जो है लास्ट में जो ए है वो आयुर्वेद समुत्थान। ठीक है, ठीक है। तो पिछले जो क्लास में हम पढ़े थे उसमें थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि तृतीय पाद में जो है चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, पहला तो चैप्टर का नाम पूछेगा, फिर कितना कितना योग वर्णन है वो पूछेगा। ठीक है, पता है आपको कितना जो है तृतीय पाद का नाम क्या है रसायन का? मैंने ऑलरेडी कोड बता चुका हूं, जो है तृतीय पाद का नाम है कर प्रतिज्ञा। ठीक है, कर प्रतिज्ञा आपका कोड के साथ जो के एज है तृतीय स्थान में कर प्रतिज्ञा है। इस तरह का हम चौथा पाद में जो है प्रथम इंद्रक्त रसायन प्रथम, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इंद्रक्त रसायन में हमको 6 महीने दूध पीना है। इसमें पैसा प्रयुक्त है षण महासात। ठीक है, बस यही क्वेश्चन आता है कि दूध कितने महीने पीना है, वो है 6 महीना। ठीक है, फिर आएगा कि इंद्रक जो द्रोणी प्रवासिक रसायन है। ठीक है, ये आ गए द्रोणी प्रवासिक रसायन। इसमें द्रोणी प्रवेश रसायन में टोटल 9 द्रव्य औषधि का वर्णन है। ठीक है, वो औषधि टोटल, वो क्वेश्चन आता है कि कितना औषधि का वर्णन है, वो है 9 औषधि। क्या क्या है वो? ब्रह्म सवरचला, इस तरह का जो है ब्रह्म सवरचला। ठीक है, आदित्य बर्णी अश्वबला नारी, इस तरह का यहाँ सब वर्णन किया गया है। नारी है गोधा, ठीक है सर्पा, इस तरह का टोटल 9 औषधि का वर्णन है। पद्मा है, तो 9 औषधि का वर्णन है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आएगा कि कितना औषधि का वर्णन है, 9 औषधि है। इसमें क्या होता है, द्रोणी प्रवेशिका मीन्स एक द्रोणी में कुछ ऐसे घृत लिप्त करके एक द्रोणी में क्या होता है, कुछ मेडिसिन डाला जाएगा, ये जो 9 मेडिसिन है, और उसमें से क्या करेगा पेशेंट, जब 6 महीने तक उसके अंदर डूबो कर वो सोएगा। ठीक है, 6 महीने तक रहेगा उसमें द्रोणी के अंदर। ठीक है, फिर 6 महीने के बाद जब उठेगा तो क्या करेगा, छाग दुग्ध पान करना है उसको। ठीक है, 6 महीने के बाद जब उठेगा तो छाग दुग्ध पान करना था उसको, करना है उसको। तो ये क्वेश्चन आता है कि कितना 6 महीने के बाद क्या पीना है, वो क्वेश्चन हो सकता है। और घृत लिप्त द्रोणी में ये मेडिसिन डालकर, ये जो 9 औषधि ब्रह्म सवर चला दी 9 मेडिसिन है उसमें डालकर 6 महीने तक उसमें वो डूबा कर रहेगा। और जब वो उठेगा, जब 6 महीने के बाद वो उठेगा तो क्या करेगा, उसका पूरा नाखून वगैरह बाल वगैरह झड़ गया होगा। ठीक है, उसके अंदर, लेकिन फिर उसके बाद जब उठेगा क्या होगा, नया बाल नया नाखून सब कुछ, नया मीन्स न्यू सेल वगैरह से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम में छाग दूध पान करना है। तो इस तरह का यहाँ वर्णन है। सपोज द्रोणी प्रवेशी का रसायन का यूज करेंगे तो कितना आयु होगा, वो होगा 10,000 आयु होगा। ठीक है, 10,000 साल में जीवन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का नेक्स्ट जो है इंद्रक्त रसायन द्वितीय। ठीक है, प्रथम पढ़ लिए थे हम, अब द्वितीय पढ़ेंगे। क्या फलश्रुति है, सर्व रोग प्रशमनम वृक्ष आयुष्य उत्तम। ठीक है, एस बहु करके या सकते रख सकते हैं थोड़ा इसके, एस बी ए यू करते हैं। ठीक है, एस पर सर्व रोग प्रशमनम वृक्ष आयुष्य उत्तम। सर्व रोग प्रशमन बहुत जगह पे है, हर जगह में भी है, और उसमें भी बहुत सारा मेडिसिन हम पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ क्या है, वृक्ष आयुष्य उत्तम, हमको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, कीवर्ड करना है, यह है इंद्रक्त रसायन द्वितीय का फलश्रुति। ठीक है, और क्या गया है नीचे देखो, परम ऊर्जस करम चैवम वर्णस्वर करम तथा। ठीक है, परम ऊर्जस्कर, ऊर्जा दिया है, ऊर्जा मीन्स एनर्जी जो है, ये बहुत एनर्जी देता है इस मेडिसिन से,
और वर्ण स्वर कर देता, ऊर्जस्कर को हम केवट करेंगे, क्योंकि परम ओजस्करम जो है वो है स्नान के लिए और इस तरह का, सॉरी इंद्र रसायन के लिए भी है, ठीक है, सॉरी अइंद्र रसायन के लिए है, लेकिन यहाँ ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स ऊर्जा जो है एनर्जी, एनर्जी में सबसे बेस्ट है, मीन्स है इंद्रक रसायन द्वितीय। हाँ, तो यहाँ बताया गया है कि कौन से व्यक्ति को जो कुटी प्रवेशिका करने के लिए योग्य व्यक्ति किसको माना जाएगा, ठीक है, वो है जो कंडीशन बताया गया है यहाँ 27 नंबर श्लोक में, समर्थनम और अगाणम धीमता नियतात्मनम कुटी प्रवेशिका, कुटी प्रवेश करेंगे क्षीणा नाम परिच्छदा बता, ठीक है, समर्थनम जो समर्थ, जो मीन्स वो जो एबिलिटी रखता है कि एक रूम के अंदर मीन्स ऐसा रहने के लिए जो जिसका पास एबिलिटी हो, और जो और अगाणम कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन ना हो, धीमता, ठीक है, उसका धी होना चाहिए, मीन्स सब कुछ जो है मोह माया से अपने को कंट्रोल कर सके उसी रूम में रहकर, नियतात्मन नियतात्मनम अपने आत्मा को जो अपने मन को जो कंट्रोल कर सकेगा, कुटी प्रवेश क्षीणानम जो क्षीण हो गया है, जिसका धातु क्षीण हो गया है, और परिच्छदा होता है जिसका रिलेटिव वगैरह हो, ठीक है, ये कंडीशन जो है बताया गया है ये कुटी प्रवेशिका रसायन के यज्ञ व्यक्ति के लिए, ठीक है, परिच्छदा बता हो, ठीक है, परिवार संपन्न भी होना, ये तरह इसका भी ध्यान देना। फिर नेक्स्ट चलेंगे आचार रसायन, आचार रसायन क्या क्या है, सत्यवादिनम, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आचार रसायन में एक अद्रव्यभूत रसायन है, ठीक है, पहले ये जो आचार रसायन अद्रव्य, इसमें द्रव्य नहीं है, मीन्स दो द्रव्य है, छोटे छोटे द्रव्य, वो है क्या है, क्षीर एंड घृत, इसको छोड़कर मेनली ये अद्रव्य होते हैं, इसमें ज्यादा मेडिसिन मेडिसिनल चीजें कुछ है नहीं, ठीक है, क्षीर और घृत जो है वो दो मेडिसिन है और इसमें द्रव्य है, ठीक है, नित्य, बाकी ये अद्रव्यभूत में आता है, ठीक है, तो इसमें जो एक एक लाइन देकर भी क्वेश्चन आ सकता है किसके लिए बोला गया है, ठीक है, सत्यवादिनम अक्रध निवृत मध्यमेतर, जो जो सच बोलता है अक्रध रहता है, मीन्स ये हमको पालन करना चाहिए, ठीक है, निवृत मध्यमेतर, मध्यम मैथुन से निवृत्त रहना चाहिए, अहिंसक अनायस जो अहिंसक होगा अनायस होगा, प्रशांत प्रियवादिनम जो शांत रहेगा, प्रियवादिनम मीन्स प्रिय बोलता होगा, जप शौच परम धीरम दान नित्य तपस्वनम, जो जप शौच और धीर व्यक्ति हो, जो दान नित्य करता हो, तपस्वी हो, देव गुरु ब्राह्मण आचार्य इसको जो पूजा करता हो, गुरु बुधार चने रतम पूजा करने में जो रहता है मीन्स कंटिन्यू पूजा करता रहता हो, और नृशंसम परम जो नृशंस नहीं हो, नित्य नित्य करुणा वेदनम, करुणा रहता होगा जिसमें, जिसके हृदय में बहुत सारा करुणा रहता होगा, और सम जागरणम सपनम जो है जो ठीक से सोता हो, ठीक से उठ जाया करे वो उसके लिए, और नित्य क्षीर घृतासनम जो नित्य क्षीर और घृत का आसन करना हो उसका लिया हो, और देश काल प्रमाणज्ञम युक्ति उक्तिज्ञम अहंकृतम, जिसमें अहं भाव ना हो, जो देश काल प्रमाण को अच्छे से जानता हो और युक्ति 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 से अपना काम करता हो, सस्ता आचार असंकीर्ण, जिसका आचार जिसका व्यवहार जो असंकीर्ण ना हो, ठीक है, मीन ब्रॉड है, जिसका माइंड ब्रॉड है, और आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक है, ठीक है, प्रवणेन्द्रियम जो आध्यात्मिक प्रवणेन्द्रियम एक वर्ड है, मीन्स जो आध्यात्म मीन्स आध्यात्म की ओर जिसका इंद्रिय को प्रवण कर सके, और उपासितारम ये इतना पढ़ा नहीं, धर्म शास्त्र परम विद्यात नर नित्य रसनम, जो धर्म और शास्त्र का अध्ययन करता हो विद्यात नरम वो है नित्य रसायन, इस तरह का जो डेली डेली ये सभी पालन करता हो उसमें आचार रसायन आ जाएगा, ठीक है, मीन्स रसायन इफेक्ट आएगा उनमें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि आचार रसायन डिस्क्रिप्शन ओनली चरक में पाया जाता है, बाकी आचार्य ने इसका वर्णन नहीं किया, ठीक है, फिर बचाएं कि प्राणाचार्य का क्या गुण होता है, ठीक है, एक प्राणाचार्य का रिफरेंस पहले ही ये है, चतुर्थ पाद में प्राणाचार्य का वर्णन है और उसका क्या गुण है प्राणाचार्य, ठीक है, एक आचार्य नाम से एक टाइटल होता है जो ब्राह्मण कास्ट का, ठीक है, तो एक बच्चा हमारा एक फ्रेंड था उसका भी आचार्य था,
टाइटन, तो उसका गुण जैसा पूरा मैच होता है, तो हमने इस तरह का याद रखा था कि सिलवान वो बहुत सिलवान होता है और मतिमान भी था। और युक्तम द्विजाति, द्विजाति जो है ब्राह्मण कास्ट का है, द्विजाति को ब्राह्मण कास्ट बोलते हैं। और शास्त्र पराग जो शास्त्र अध्ययन में जो एक्सपर्ट हो। प्राणी भी गुरुवत पूज्य, इस तरह का प्राणी जो है वो गुरु के समान पूजनीय होना चाहिए। प्राणाचार्य सह, इसमें तो इसको हम प्राणाचार्य बोलेंगे, ठीक है। तो सिलवान मतिवान युक्तम द्विजाति शास्त्र पर, ये लाइन देकर पूछेगा ये किसका गुण है, प्राणाभिसर प्राणाचार्य, इस तरह का करके क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो प्राण, ये याद रखना प्राणाचार्य का ये गुण है, और कहा बनाना है चौथा पाद में, रसायन के चौथा पाद में, ठीक है। फिर यह बताया कि ये रिफरेंस भी देकर क्वेश्चन आएगा कि भिषग अप्य आतुरान सर्वान स्वसुतनिव यत्नवान, क्योंकि ये बताया गया है कि चिकित्सक भिषक क्या करना है कि पेशेंट को ऐसे ट्रीट करना है जैसे अपने अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है, स्वसुतनिव अपने बच्चे की तरह, अपने पुत्र की तरह अपना वो उसको ट्रीट करना चाहिए भिषक को, यह बताया गया है। ये रिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है, ये चौथा बात में। फिर बताया गया कि नात्यर्थ ही कर्म अर्थ भूतदय प्रति वर्तते यत चिकित्सा स सर्वम अति वर्तते, ठीक है। मीन्स उत्तम चिकित्सक का यहाँ वर्णन क्या है कि जो चिकित्सक ना अर्थ के लिए ना किसी कामना के लिए, मीन्स अपने प्राइवेट कुछ, मीन्स अपने कुछ इच्छा के लिए जो नहीं किया नहीं करता हो, और जो भूत दया प्रति मीन्स अपने हृदय में दया भाव रखकर जो ट्रीट करता हो, वो सर्वश्रेष्ठ उत्तम चिकित्सक बन जाता है, ठीक है। मीन्स ओनली मनी के लिए जो ट्रीट करता हो ना हो, और जो अपने कुछ इच्छा के लिए ऐसे ना हो, ठीक है, जो दया भाव रखकर जो चिकित्सा करता है वो चिकित्सक श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, उत्तम चिकित्सक मानते हैं। फिर यहाँ बताया कि धर्म अर्थ दाताम सदृश्यस्तस्य न ही उपलभ्यन्ते, मीन्स जो जीवन दान जैसा, जो चिकित्सक जीवन दान तो देता है, तो जीवन दान जैसा ऐसे कुछ चीजें, मीन्स धर्म अर्थ पाने के लिए जीवन दान जैसा बड़ा चीजें ऐसे दुनिया में कुछ है नहीं, ठीक है। धर्म अर्थ दातम, जो धर्म अर्थ दान देता है, सदृश्य तस्य धर्म अर्थ मीन्स देने से सदृश्य तस्य न ही उपलब्ध, इस तरह का कुछ चीजें है नहीं जो जीवन दान और मीन्स धर्म और अर्थ दान करने में मिलने में जीवन दान जैसे ऐसे कुछ चीज है नहीं, ठीक है। जो चिकित्सक जो होता है उसको अर्थ भी मिलता है और उसका धर्म भी वो अर्जन करता है। न ही जीवित दान आदि दान अमन्य विशिष्ट, मीन जीवन दान जैसे बड़े दान जीवन दुनिया में कुछ है नहीं, न ही जीवित दान आदि दान अमन्य विशिष्ट, ठीक है। ये इस तरह का हमारा फोर्थ चैप्टर जो है, छोटा सा चैप्टर था, वो कंप्लीट हुआ। अच्छा मुझे बताओ, कुछ डिस्कशन कर लेंगे, शिलाजीत का जो है कितना टाइप बताया गया है चरक में, थोड़ा रैपिड रिवीजन कर लेंगे। 10 क्वेश्चन में पूछूंगा रसायन और बाजीकरण से, तुम जल्दी जल्दी उसका आंसर देने की ट्राई करो कि शिलाजीत का टाइप कितना बताया गया है, और और उत्तम मात्रा शिलेत का कितना है। 1 तोला, एप्पल, ठीक है। गूगल, गूगल का भाषा संकास, ये कौन से शिलेत के लिए बताया गया है। नहीं शाम नहीं, गूगल का ऑप्शन, भाषा जो मैंने में स्वर्ण रजत ताम्र लोह में कौन से शिलेत के लिए बताया गया है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। गूगल के आभायुक्त में श्लोक में दिया गया है कि गूगल का भास संकास, वर्ण लोह रसायन, मैंने से बताया ना कि तिल कसी गूगल का भास संकास, इस तरह का कोड बताया था तिल कसी, ठीक है। तो उससे होगा तिल कसी गूगल का भास संकास जो है, मैं बताया था लोह शिलाइत के लिए, ठीक है। तिल मीन्स तिक्तर लवण रस है, और गूगल का भास है संकास मीन्स सन्निपात जो है, बताया था सन्निपात मीन्स वो त्रिदेश को समन करता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, ये सभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये सभी शिलाइत का क्वेश्चन आएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बताओ कि धीमान जशस्वी वाक् सिद्धि श्रुतधारी महाघनम,
धीमान जससि वाक् सिद्धि श्रुतधारी महाघनम, ये कौन सा मेडिसिन के लिए बताया गया है, कौन सा योग के लिए? इंद्र रसायन, लोह रसायन, केवल आम्लक रसायन या आम्लक आयस रसायन? इंद्र मैंने बताया था श्रुतधारी, इसको थोड़ा एम्फेसिस भी दे रहा हूँ। श्रुतधारी जो है मैंने बताया था कि लोह रसायन, ठीक है, ई इस तरह ई मीन श्रुतधारी, श्रुतधारा यति मैंने बताया था। और इसमें श्रुतधारी जो है द्वितीय ब्राह्मण रसायन के लिए, और श्रुतम अवतिष्ठते मैंने किसको बताया था बताओ? ओ से मैंने बताया था, ओ से आम्ल घृत के लिए, याद रखो करो इस सभी को, है आम्ल घृत के लिए श्रुत अवत श्रुतम अवतिष्ठते, ठीक है। सर। तो बलादि रसायन कितना है सब, टोटल बलादि रसायन के नंबर पूछा जाएगा ये। 19 19, सही है, ठीक है। भला तक का योग कितना बनना है द्वितीय दस पाद में, 10 योग बताने, ठीक है। ये मुझे बताओ, कफज न न सरग अस्थि न बिबंध अस्थि कश्चनम, किसके लिए बोला गया है? कफज न रग अस्थि न बिबंध, ये ये भला तक के लिए, ठीक है। कफज रोग के लिए मैंने बताया था कि कफज रोग आएगा तो आग बनकर भला तक लगाना, क्योंकि वो उष्ण भी रहता है, उष्ण सभी है, ठीक है। और सर्व रोग के लिए आएगा तो होगा शिलायतु, ठीक है, ठीक। अच्छा मतलब शिलायतु का वर्णन कौन से पाद में वर्णन है, ठीक है। शिलायतु पद रसायन का वर्णन थर्ड पद में, पिप्पली रसायन का, तो पिप्पली रसायन किस में वर्णन है? थर्ड थर्ड ये सर हाँ, त्रिफला रसायन, त्रिफला तीन लेटर थर्ड सेकंड में, अरे थर्ड में होगा। और जो द्रव्य गुण का मेडिसिन थर्ड में, त्रिफला वो द्रव्य गुण रिलेटेड वो थर्ड में, हाँ थोड़ा ध्यान दो इस सभी को। च्यवनप्राश कौन से पाद में बनना है, सेकंड सेकंड में प्रथम पाद में बताया था ना मैंने, प्रथम पाद में च्यवनप्राश बनना है। कोड के साथ ही बताया था कि ब्रह्मा जी ने च्यवनप्राश बनाते टाइम हरिते के आमले की डालते थे उसमें, क्या ब्रह्मा च्यवनप्राश बना हरिते के आमले डालते थे। ब्राह्म रसायन हो गया, प्रथम ब्राह्म रसायन, च्यवनप्राश रसायन, हाँ, और हरिते की और आमले की, ये दोनों चीजें। हरिते की जो पंचम है ना, षष्ठ हरिते की तक्यादि रसायन और आमलग रसायन, ये सारे मेडिसिन प्रथम पाद में बना है, ठीक है। याद रखो ये सभी क्वेश्चन सुपरफिशियल क्वेश्चन है, मैं तो याद रखना ही होगा, ठीक है। पढ़ो इसको जितना हो सके पढ़ो, ये सभी पीपीटी के लिए क्वेश्चन आएगा। श्री वेदा वाक्च रूपिणी कौन से रसायन के लिए, श्री वेदा वाक्च रूपिणी भवत्य अमर सन्निभम श्री वेदा वाक्च रूपिणी, इस तरह का लाइन कौन से रसायन के लिए है? बताओ जल्दी। सही भवत्य अमर सन्निभम, इसमें अमरत्व तो आ जाएगा, केवल आम्लक में मैंने बताया था कि जैसे इसमें बहुत पथ्या पथ्य होगा, 1 साल तक मीन्स इसमें गौशाला में रहना है, दूध पीना है, गौ के साथ रहना है, तो इसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है, तो उसका फल भी जो है, रिजल्ट जो है वो भी बहुत अच्छा होगा, मीन्स अमर सन्निगम जैसे अमरत्व तो पाने जैसे उतना ही बेनिफिट मिल जाएगा उसमें, केवल आम्लक रसायन, ठीक है। थोड़ा का थोड़ा ये देखकर इसको ध्यान देना है। ये मुझे बता सकते हो कि अरसंग से ग्रहणी दोषे दोषम पांडुता विषमम ज्वरम,
हरसंग से ग्रहणी दोषम पांडुता विषमम ज्वरम, कौन सा रसायन के लिए? और हरसंग से ग्रहणी दोषम पुराणम विषमम ज्वरम, ये किसके लिए बोला गया है? मैंने कंपैरेटिव दो चीजें बताया था, हरसंग से ग्रहणी दोष पांडुता विषम ज्वर किसके लिए बताओ? और पुराण विषम ज्वर किसके लिए है? पांडुता जो विषम ज्वर है ये क्यों नहीं बता सकते? इजी मैंने बताया था इतना ध्यान देकर, अर्संग से ग्रहणी दोष पांडुता विषम ज्वर जो है पिपली रसायन के लिए, ठीक है? और अर्संग से ग्रहणी दोष पुराणम विषमम ज्वर जो है वो हरितकी के लिए, मीन्स हरितकी जो पुराना हरितकी, ठीक है? ऐसे करके याद रख दो, फिर हरितकी जो पुराना हरितकी, पुराण वर्ड आएगा तो हरितकी के लिए, पांडुता वर्ड आएगा पिपली रसायन के लिए। शंखपुष्पी का मीन्स कैसे यूज किया जाता है? स्वरस चूर्ण कल्क, हाँ कल्क। अनुमान क्या है उसका? तो MD करके बताया था, SCS के, याद रखने से भी। अच्छा मुझे बताओ, इसमें बाजीकरण का जो है तृतीय पाद का नाम क्या है? बाजीकरण का तृतीय पाद का नाम क्या है? कोड बताया था, पहले कोड याद करो, फिर उसके बाद याद रखना, रिकॉल करो इसको, क्या क्या कोड था? सात कोड था, ठीक है? संयोग सर्वमूल्य आशिक दीक्षित के मांस प्रणहूर्ति, ठीक है? तो तृतीय पाद में क्या हो गया? मांस प्रणहूर्ति, ठीक है? अच्छा वृक्ष पीपली योग में टोटल कितना पीपली यूज किया गया? थर्टी पीपली यूज किया गया। देखो पीपली तीन लेटर है, तृतीय पाद में है, और तीन से हम 30 पीपली इसमें यूज किया गया वो याद रखेंगे। तीन 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 सब है, ठीक है? 30 पीपली है, ठीक है? फिर हम आगे चलते, आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ज्वर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ज्वर इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, AIPGD में इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। ज्वर चैप्टर बड़ा चैप्टर है, अच्छे से याद रखना, उसके रिवीजन करेंगे, मैं कल पूछूंगा पूरा। इसका ठीक है, तो ज्वर में ज्वर में निदान स्थान में क्या बताया कि सर्वरोग अधिपति, ठीक है? सर्वरोग अधिपति, ठीक है? सर्वरोग अधिपति निदान स्थान में बताया ज्वर के लिए। और रोग राट, ठीक है? रोग राट जो है वो तो बताया गया है चरक चिकित्सा स्थान में, यहाँ, ठीक है? रोग राट बताया गया है चिकित्सा स्थान में ज्वर के लिए, ठीक है? भागवत ने रोग राट को राजक्षमा के लिए बोला गया है, ठीक है? राजक्षमा के लिए बोले हैं बागवत ने। मैंने हर जगह ऐसे करके बताया हूँ जब बागवत ने सही बताया, मैंने हम सब कैसे याद रखेंगे कि एक का सही याद रख लेंगे, बाकी का ऑपोजिट करके याद रखेंगे, ठीक है? मैंने जहां जहां भी बताया हूँ थोड़ा ऐसे करके बताया हूँ कि बागवत ने यहाँ सही बताया है, मैक्सिमम जगह पर सही बताया है। तो पहले रोगराट, देखो रोगराट से वार्ड से हमको क्या प्रतीत होता है कि ये राजा के जैसे, मीन किंग ऑफ द डिजीज, इस तरह का रोगराट। तो बागवत ने राजक्षमा को तो किंग ऑफ द डिजीज मानते हैं, तो रोगराट को राजक्षमा के लिए बोले हैं बागवत ने, ठीक है? लेकिन उसका अपोजिट जो हो गया, मीन चरक ने उसका ज्वर के लिए बोल दिया, ठीक है? चरक ने उल्टा कर दिया और बागवत ने सही बताया, मीन्स रोगराट को राजक्षमा के लिए, ठीक है? पहले इसको याद रह जाएगा, बाकी उल्टा कर देंगे उसको ज्वर के लिए। कंफ्यूजन होता है ज्वर और राजक्षमा दोनों में, ठीक है? और सर्वरोग अधिपति जो है वो निदान स्थान में, चरक निदान स्थान में ये बताया गया है कि
ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो है ज्वर के लिए। ठीक है, बस इतना याद रखना है किसके लिए क्या बोला गया है। इसका पीडीएफ शेयर कर रहा हूं। देखो इसमें जो है, पहले पढ़ेंगे शारीरिक और मानसिक ज्वर। शारीरिक ज्वर में इसमें देखो, मानसिक ज्वर शरीर जायते पूर्व पूर्व देहे मनसि मानसाता। पहले शरीर में हमारा ज्वर बढ़ता है, फिर जाकर मन को इफेक्ट करता है। इफेक्ट करता है तो मन में क्या विकृति होता है, वैचित्य अरति ग्लानि। क्या हो गया हमको मन में, क्या हो गया, वैचित्य होगा, अरति होगा, ग्लानि, एजिटिस। पूरा इस श्लोक में जो जो सिम्टम लिखा है पूरा एजिटिस याद रखेंगे। मनोसंताप लक्षण, मन में क्या उत्पन्न होगा, वैचित्य अरति ग्लानि उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, पहले ज्वर से शरीर से क्या होगा, मन को इफेक्ट करेगा। इंद्रिया नाम से विकृति, फोर्थ पॉइंट है, इंद्रिया नाम से इंद्रियों में विकृति उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह का ये मानसिक ज्वर जो है उसका लक्षण हो गया। ठीक है, मानसिक ज्वर का ये लक्षण हो गया। शारीरिक ज्वर में मीन्स ओनली ओनली शरीर में ज्वर होगा, मीन्स संताप। ठीक है, संताप होगा मीन्स टेम्परेचर बढ़ जाना, वो शारीरिक ज्वर का लक्षण है, और मानसिक ज्वर का ये जो लक्षण मैंने बताया। ठीक है, यहाँ बताया गया है एक लाइन कि योग वाह परम वायु, योग वाह परम वायु। ठीक है, ये बताया गया है, और इसमें एक पीडीएफ बताता हूँ कि हाँ, योग बाहु परम वायु, इसका परफॉर्मेंस वायु भी योग भाई है। और क्या क्या योग भाई हम पढ़ चुके हैं, अंतरिक्ष से जल था, ठीक है, पारद था, पारद और मधु, हाँ ये सभी योगवाही है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर वायु को भी योगवाही करके बताएं। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वायु को भी, वायु भी योगवाही है। तो इसमें एक बताया कि अंतर्वेगी ज्वर, अंतर्वेग ज्वर मीन्स उस टाइम में ज्वर का मीन्स, जैसे प्रैक्टिकली सोचेंगे तो उस टाइम में ज्वर बहुत होगा। ठीक है, पेन वगैरह वो सभी संधि स्थिति में, जैसे हमारा वो इन्फ्लुएंजा वगैरह में और डेंगू फेंगू में, जैसे हड्डियों में जितना पेन फेन वगैरह वो सभी है ना, वो सभी मीन्स प्रकोप स्टेज में। ठीक है, जैसे पेन वगैरह बहुत बड़ा हुआ है और टेम्परेचर भी बहुत बड़ा हुआ है, उस कंडीशन को हम अंतर्वेगी ज्वर में मानेंगे। और बहिर्वेग ज्वर में मीन्स थोड़ा जो ज्वर है, जो टेम्परेचर है वो बाहर आ गया है, थोड़ा मीन्स कम होने लग गया है। तो अंतर्वेगी ज्वर का लक्षण अभी देखते हैं। उसमें क्या लिखा है कि अंतर्दाह अधिक तृष्णा, उसमें ज्यादा ज्यादा सारे सिम्टम होगा, मीन्स अधिक तृष्णा होगा, प्रलाप श्वसनम भ्रमम। ये लाइन याद रखना है, प्रलाप होगा मीन्स इतना भयंकर सिम्टम होगा कि प्रलाप हो गया है पेशेंट को, और श्वसनम भ्रमम, संधि अस्थि सुलम अश्वेद। देखो जब ज्वर अंदर है तब तो अश्वेद होता है, जब हम पैरासिटामोल खा लेते हैं उसके बाद क्या होता है, पसीना आ जाता है और फीवर कम हो जाता है। तो अश्वेद होगा मीन्स अंदर ज्वर है, जब श्वेद आ जाएगा मीन्स वो बाहर हो गया। ठीक है, ज्वर बाहर आ गया। तो 10 वर्ष विनिग्रह, जब अंदर ज्वर है मीन्स आम कंडीशन है, मीन्स प्रकोप स्टेज है, आम कंडीशन होगा तो ज्वर बढ़ेगा। तो 10 वर्ष विनिग्रह, 10 और वर्ष का जो है निग्रह हो रहा है, मीन्स उस टाइम में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, मीन्स आम कंडीशन है। ठीक है, तो जब बहिर्वेग मीन्स जब मल निकल जाएगा, जब सारे स्रोत खुल जाएगा, तब ज्वर भी बाहर आ जाएगा, मीन्स पसीना आ जाएगा, ठीक हो जाएगा।
और 10 वर्ष भी निकल, 10 वर्ष जो है वो निकल जाएगा, मीन्स वो ज्वर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, फिर चलते हैं बहिर्वेग ज्वर का लक्षण। देखो, संताप अभ्यधिकम, ठीक है, इसमें बहिर्वेग मीन्स ज्वर बाहर आ रहा है, तो उस टाइम में थोड़ा मीन्स टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा होगा। संताप अभ्यधिकम बाह्य तुष्णा दिनाम च मार्दवम, बाकी जो सिम्टम है तुष्णा आदि नाम मार्दनों मीन्स अंतर्वेगी ज्वर में जो तुष्णा आदि का जो सिम्टम है वो सभी कम हो जाएगा। बाह्य तुष्णा आदि सिम्टम कम हो जाएगा, मार्दवम हो गया। बहिर्वेग से लिंगानी सुख साध्य में एवत्व, ये क्या जो बहिर्वेग हो गया है तो ये सुख साध्य होना लग गया, मीन्स वो इजिली क्योर, मीन्स बाहर आ गया है ज्वर जो है वो इजिली क्योर हो जाएगा, मीन्स सुख साध्य में एवत्व। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बहिर्वेग ज्वर का साध्य असाध्य था, क्या बताओ। ठीक है, अंतर्वेगी ज्वर का कुछ नहीं बताया है, लेकिन बहिर्वेग ज्वर का यहाँ बताया गया है। फिर बताया गया है कि प्राकृतस्तु सुख साध्यस्तु बसंत शरद भव, यह बताया कि बसंत और शरत ऋतु में, सपोज बसंत ऋतु में कफ ज्वर, तो इसका साध्य असाध्य क्या है, सुख साध्य, ये बताया गया। प्राकृतस्तु सुख साध्यस्तु बसंत शरद भव, मीन्स बसंत ऋतु में कफज ज्वर, बसंत ऋतु में कफज ज्वर एंड शरत ऋतु में पित्त ज्वर, ठीक है, क्या होगा, सुख साध्य होगा, ये बताया गया है। ठीक है, बसंत शरद भव मीन्स कफ, बसंत ऋतु में कफज ज्वर और शरद ऋतु में पित्त ज्वर सुख साध्य होगा, ये बताए हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल चीजें, वर्षा ऋतु में वात ज्वर जो है वो कष्ट साध्य होगा, ये बताया गया है। बताया गया है कि वर्षा ऋतु में जो है, क्या बताया गया है, बहिर्वेगस्तु तु दुस्साध्यम प्राकृतम अनिलद भवम, मीन्स यह जो है वर्षा ऋतु में वात ज्वर जो है वो कष्ट साध्य है। ये एक चीज एक्सेप्शनल चीजें याद रखना है कि वर्षा ऋतु में वात ज्वर जो है कष्ट साध्य, बाकी शरद ऋतु में पित्त ज्वर सुख साध्य है, बसंत ऋतु में कफ ज्वर जो है सुख साध्य है। कष्ट साध्य क्यों है, उसका रीजन ये है क्योंकि सपोज हम वात ज्वर है तो उसमें लंघन नहीं कर सकते हम जो, लेकिन ज्वर का जो ट्रीटमेंट फॉर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है प्रथम लंघन करना, तो ये कष्ट साध्य हो जाएगा। वात ज्वर में वर्षा ऋतु में भी लंघन नहीं कर सकते और वात ज्वर में लंघन नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रीटमेंट करने में, कष्ट साध्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इतना पॉइंट। फिर हम चलेंगे असाध्य ज्वर का लक्षण क्या, यहाँ बताया गया है 50, एक एक लाइन श्लोक जो है उससे क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, बहु भी जातम बलि भी बहु भी लक्षणम, जिसमें बहु लक्षण होगा, बहु बलवान रोग होगा, ज्वर प्राणांत कृत, जो ये ज्वर प्राणांत प्राण का अंत कर देता है, शीघ्र इंद्रिय नाश, जिसमें जिस पर्सन के कंडीशन में इंद्रिय नाश हो रहा है जल्दी जल्दी, वो कंडीशन क्या होगा, असाध्य लक्षण है, इंद्रिय नाश हो गया है, असाध्य लक्षण। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अनुपक्रम में, जिसमें इंद्रिय नाश हो गया, बागवत ने इस तरह का बताया इंद्रिय नाश हो गया है, और सम्मोह, ये सभी हम अनुपक्रम में यहाँ बता चुका है, ये सब अनुपक्रम है। यहाँ पर भी असाध्य लक्षण में इस तरह का लाइन है, शीघ्र इंद्रिय नाश ना। फिर बताए असाध्य लक्षण क्या होगा, देखो सप्ताहात द्वादशात, सप्ताहात द्वादशात दशाहात द्वादशात तथै वचम स प्रलाप ब्रह्म श्वास तृष्णा हन्यत ज्वर नरम। देखो ये बताए कि जिस पर्सन के कंडीशन में प्रलाप श्वसनम भ्रमम, ठीक है, देखो मैंने यहाँ श्लोक में लिखा है प्रलाप भ्रम श्वास, इसको मैंने अरेंज करके बता रहा हूँ कि प्रलाप श्वसनम भ्रमम, क्योंकि प्रलाप श्वसनम भ्रमम सिम्टम हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अंतर्वेगी ज्वर का लक्षण है। ठीक है, उसमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अंतर्दाह अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रमम, तो ये लाइन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं अरेंज करके ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि जिस पेशेंट में ये लक्षण है प्रलाप श्वसनम भ्रमम है, तो क्या होगा, मीन्स वातज ज्वर में, वातज ज्वर 7 दिन में असाध्य हो जाएगा, पित्तज ज्वर दशा मीन्स 10 दिन में असाध्य हो जाएगा, और कफज ज्वर जो है 12 दिन में असाध्य हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन बता दिए, जिस पेशेंट में प्रलाप श्वसनम भ्रमम, ठीक है, प्रलाप श्वसनम भ्रमम हो रहा है,
ये लाइन है, और उसमें क्या होगा, असाध्य हो जाएगा 72 में 7, 10, 12, ये जो संख्या है इसको याद रखना है। ज्वर में हर जगह पर हम यही संख्या पाएंगे, 7, 10, 12, पहले इसको याद रखना है, 7, 10, 12, ठीक है, सारे जगह पर यही पाएंगे हम, ठीक है, 7 दिन इसमें। फिर बताया कि और कुछ असाध्य लक्षण बताए हैं इनमें, जैसे ज्वर क्षीण से सुन्न से गंभीर दीर्घ रहते हैं, जो क्षीण हो गया है, जो सुन्न हो गया है, स्वेलिंग ज्यादा है, गंभीर हो गया है ज्वर, और दीर्घ रहते हैं, तो देर तक, बहुत देर तक, जो जिसका ज्वर नहीं छोड़ रहा है, और केश सीमंत कृत, इसको ट्रिपल करना है, केश सीमंत कृत ये लाई है, जिसका केश में सीमंत आ गया हो, अपने आप बन गया हो, ठीक है, एक तो सीमंत है हमारे पास, लेकिन अपने आप सीमेंट बन जा रहा हो, उस कंडीशन का क्या है, असाध्य लक्षण है, वो ज्वर का ही असाध्य लक्षण है, ठीक है। कैसे सीमेंट कृत करके देगा और पूछेगा कि ये किसका असाध्य लक्षण है, ज्वर का, रक्तपित्त का, राजयक्ष्म का, इस तरह का देगा, ठीक है, ये ज्वर का असाध्य लक्षण है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। फिर हम चलेंगे कि विषम ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ विषम ज्वर स्टार्ट हो गया, पहला विषम ज्वर है, जो टोटल विषम ज्वर का टाइप है वो है 5, ठीक है, संतत, सतत, अन्यदुष्क, तृतीयक, चतुर्थक, ये टोटल 5 है, ठीक है। इसमें से पहला जो है संतत, ठीक है, पहला संतत, सेकंड में आएगा सतत, ठीक है, दोनों सेकंड में दो दो सेम तो से आएगा, ठीक है, यहाँ संत तो और तो है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड में क्या आएगा, स त त त, दो लेटर है, सेम लेटर है, वो सेकेंड में आएगा, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम सं त के लिए क्या है ज्वर का, पहले संप्राप्ति, सं त ज्वर का संप्राप्ति क्या है, कि श्रतभि विश्रुता दोषा गुरव रसवाहि सर्वो देहानुगम स्तब्धा, जो है रसवाहि को इन्वॉल्व करके सारे शरीर को जो स्तब्ध करके ये ज्वर पैदा करता है, मीन्स रस वही, और स्वेद उसको भी अवरोध करके, ठीक है, वो दोनों चीजें हैं, और सर्व रस सर्व देहानुगत स्तब्धा, ये लाइन एक बार क्वेश्चन आया था, किसके लिए बोला गया है, संतत ज्वर के लिए, ठीक है, सर्व देहानुगत स्तब्धा मीन्स इसका मतलब है कि ये सारे शरीर में ये है, मीन्स ज्वर का जो है अधिष्ठान सारे शरीर में है, ठीक है, संतत ज्वर का। फिर आते हैं संतत ज्वर का काल मर्यादा कितना है, वैसे मैंने जैसे बताया था 7, 10, 12, ये सारे जगह पर हम पाएंगे, यहाँ पर भी देखो दशाहत, द्वादशात, सप्ताहत, ठीक है, वैसे ही है, दशाहत मीन 10, 10 मीन्स पित्तज के लिए, द्वादशात मीन्स कफज के लिए, और सप्ताहत मीन्स वातज के लिए, ठीक है, 7, 10, 12 सब जगह पर है, वात पित्त कफ के लिए। तो सुदुस्सह संतत ज्वर का क्या है, साध्य तो जैसे सुदुस्सह, डिफिकल्ट, ठीक है, शीघ्र शीघ्र कारित्वम प्रसम जानती हंती वा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये पेशेंट को मार डालेगा, ठीक है, शीघ्र शीघ्र कारित्व, ये जल्दी जल्दी कुछ भी वो करता रहता है इसको, टमरजेंसी मीन्स वो शीघ्रकारी है, और प्रसमम याति हंती वा, एक तो ठीक हो जाएगा ज्वर ज्वर, नहीं तो ये हंती मीन्स पेशेंट को मार डालेगा, ठीक है। फिर बताया कि दूसरा था क्या है संतत ज्वर का, काल दुष्य प्रकृति भी दोष तुल्य ही संततम, यहाँ बताया गया कि ये इतना डिफिकल्ट क्यों है, दुष्य क्यों है, क्योंकि हमने जैसे पढ़े थे सुख साध्य साध्य असाध्य था खुड्डा का चतुष्पाद में, ठीक है, सॉरी महाचतुष्पाद में, उसमें बताया गया कि जैसे काल दुष्य दोष दुष्य प्रकृति जब एक एलाइन में रह जाएंगे तो उसको ट्रीट करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि काल दुष्य दोष दुष्य काल ये सभी एक लाइन में रह जाएगा, मीन सेम हो जाएगा, तो उसको ट्रीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऑपोजिट होगा तो इजिली क्योर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि काल दुष्य प्रकृति, ये संतत जो है दुष्य क्यों है, ठीक है, तो काल दुष्य प्रकृति दोष तुल्य, मीन्स काल दोष्य और प्रकृति और दोष ये सभी सेम है, तुल्य हो गया, मीन सेम हो गया, तो क्या होगा, तुल्य ही संततम, क्योंकि सेम है तो निष्प्रत्यनिक कुरुते, निष्प्रत्यनिक का लिटरल मीनिंग है कि कंटिन्यू रहता है, निष्प्रत्यनिक कंटिन्यू रहता है, ये ज्वर जो है कंटिन्यू रहता है,
ऐसे रिलैप्सिंग नहीं है, मीन्स छोड़ दे, जोर छोड़ जाएगा फिर उसके बाद आ जाएगा, इस तरह का नहीं है, कंटिन्यू है, निष्प्रत्यनिक। कुरुते तस्मात केम सुदुसा, सुदुसा मैंने बताया था कि ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, सुदुसा कौन से डिसेंजर के लिए है, वो है संतत, ठीक है। तो निष्प्रत्यनिक है, नॉर्मली क्या होता है, विषम जोर जो है, विषम जोर का लिटरल मीनिंग क्या है कि वो मीन्स छोड़ जाएगा फिर आ जाएगा, जैसे मलेरिया वगैरह में होते हैं, ठीक है, रिलैक्सिंग है। लेकिन संतत जोर को वो निष्प्रत्यनिक कंटिन्यू रहता है, तो इसके लिए सुश्रुत ने क्या किया कि इसको संतत जोर को वो विषम जोर में नहीं माने, क्योंकि यह कंटिन्यू रहता है, विषम जोर जो है वो छोड़ जाएगा फिर आ जाएगा, उसको हम विषम जोर बोलेंगे, विषम जोर, ठीक है। इस तरह का सपोज एक विषम जोर को ऐसे बोला गया है कि मुक्त अनिबंधित्व विषम विषम जोर, मीन्स मुक्त अनुबंध, मुक्त हो जाएगा जोर, मुक्त हो जाएगा फिर अनुबंध हो जाएगा, मीन्स फिर से आ जाएगा, ये जो ये है उसको हम विषम जोर बोलते हैं, मुक्त अनुबंधित्व। लेकिन सपोज क्वेश्चन आएगा मुक्त अनुबंधित तो कौन सा विषम जोर नहीं है, ठीक है, चरक वाइज आंसर जाएगा संतत, क्योंकि ये निष्प्रत्यनिक है, समझ में आया, निष्प्रत्यनिक का मीनिंग है कंटिन्यू रहना, विषम जोर जो है, लेकिन चरक ने इसको विषम जोर के अंदर माने हैं, लेकिन इस ये भी बताया है कि ये निष्प्रत्यनिक है, ठीक है। और मुक्त अनुबंधित तो जो है प्रॉपर्टीज वो है विषम जोर में है, ठीक है, एक्सेप्ट संतत जोर, इतना याद रखना है। फिर हम चलेंगे कि संतत जोर का स्थान कितना है, संतत जोर का स्थान टोटल जो स्थान है वो है 12, ठीक है, 12 स्थान है, 12 आश्रय है, क्या क्या है, सप्त धातु, द्विमल, मुत्रण पुरिस, ठीक है, यहाँ स्वेद नहीं, ये याद रखना, चलिए ऐसे याद रखते हैं कि सप्त धातु, त्रिमल और त्रिदोष, इसे करके याद रखते हैं, इनमें से त्रिदोष तो है, अनिलादय है, और सप्त धातु है, लेकिन मूत्र पुरी से एक्सेप्ट स्वेद, ठीक है, स्वेद आश्रय नहीं है संतत जोर का, याद रखना। ठीक है, विषम जोर जो है काश्यप के अनुसार, ये याद रखना है, चरक ने 5, सुश्रुत ने 4 माने हैं, लेकिन बाद में संतत जोर का वर्णन किए हैं, लेकिन 4 माने हैं विषम जोर, ठीक है, चरक ने 5, काश्यप ने बताए हैं 7, क्या बताए हैं, वो चरक का जो 5 है वो माने हैं सब कुछ, प्लस ग्रहथ प्रत्यथ, ठीक है, ग्रहथ एंड प्रत्यथ, ग्रहथन प्रत्यथ मीन्स प्रेत से जो ज्वर आ रहा है वो विषम ज्वर होगा, उस तरह का जो विषम ज्वर हो रहा है, और ग्रह के विकृति से जो ज्वर हो रहा है उस तरह का विषम ज्वर को वो विषम ज्वर के टाइप में माने, टोटल है 7, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर इसमें बताया गया है कि चिकित्सा में बताया गया है कि संतत ज्वर में ये दूसरा है ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है, उसमें होता है दुर्लभ उपशम काल दीर्घ अप्य अनुवर्तते, दुर्लभ उपशम काल, इसका उपशम जो है इसका ट्रीट करना दुर्लभ है, ट्रीट करना बहुत दुर्लभ है, और दीर्घ अप्य अनुवर्तते या इसका ट्रीटमेंट बहुत दिन तक चलेगा, ठीक है। फिर क्या बताया कि क्रियाक्रम विधौ युक्तम प्राय प्राग अपतर्पण, नॉर्मली क्या कहता है सारे क्रियाक्रम जो है इसका है वो है प्राग अपतर्पण में, पहले क्या करें अपतर्पण उल्लंघन करना, वही बताए, ठीक है, प्राग अपतर्पण, ये लाइन देकर पूछेगा किसके लिए बोला गया है। यहाँ मैंने जैसे बताया था ये एक लाइन देकर के सिद्धांत निदान में एक लाइन दिया गया है विषम जोर के लिए, यह सात जो है ये लाइन देखो, यह सात नियमात कालात शीत उष्णाभ्याम तथैव च व्यगतश्चपि विषमम सजरम विषमम स्मृतयितम, मीन्स यह सात नियमात कालात शीत उष्णाभ्याम तथैव च, मीन्स इसका कुछ नियम नहीं है, काल का आना मीन्स ज्वर का आना कुछ ऐसा नियम नहीं है, ठीक है, कालात शीत उष्णाभ्याम तथैव च विगतश्चपि विषमम, मीन्स कभी आ जाएगा कभी छोड़ जाएगा, ठीक है, कभी ज्वर आएगा फिर छूट जाएगा। फिर परिभाषा क्या है, विषमम विषमारंभ, ये एक परिभाषा दिया गया है, विषमम विषमारंभ क्रियाकाल अनुषंगवान, ठीक है, ये विषम इसका जो है
विषम है, मीन्स ज्वर का आना और छोड़ना, उसे विषम है। क्रियाकाल अनुसंगवा, क्रियाकाल को वो अनुसंग के साथ करता है, वो भागवत ने बताए हैं। तो इसका विषम ज्वर का सुश्रुत ने बताया कि इसका विषम ज्वर का 6 काल बताया गया है। क्या है? पूर्वान्न, मध्यान्ह, अपराह्न, प्रदोष, अर्धरात्रि, प्रत्युष। ठीक है, 6 जो है जो डिवाइड किया है, दिन में दिन का जो 3 पार्ट और रात का जो 3 पार्ट, इस तरह का 6 काल बताया गया है सुश्रुत ने। फिर विषम ज्वर का संप्राप्ति क्या बताएं कि 10 अल्प अहित संभूत ज्वर उत्कृष्ट बा पुनः ज्वरम अन्यतम प्राप्त करते विषमम ज्वरम। मीन्स थोड़ा जो 10, मीन्स सपोज आज ज्वर हो गया और ठीक भी हो गया, लेकिन उसमें शरीर के अंदर क्या होता है, दोष जो है रहता ही है। थोड़ा सा भी दोष रहेगा तो क्या करेगा, वो फिर से ज्वर को प्रोड्यूस करेगा। दोष अल्प अहित संभूत जो है, अहित कर दोष जो है वो क्या करेगा, ज्वर उत्कृष्ट बापना फिर से जो ज्वर को पैदा कर देता है। धातु अन्य तमम प्राप्य, मीन अलग अलग धातु को प्राप्त होकर वो क्या है, विषम ज्वर को प्रोड्यूस करता है। और जैसे मैंने बताया था कि मुक्त अनिबंधित्व क्या है, विषमम ज्वरम, मुक्त अनिबंधित्व विषमम ज्वरम। ठीक है, मुक्त अनिबंधित्व होना ये विषम ज्वर का प्रॉपर्टीज है। काश्यप ने बताया है टोटल 7, क्या क्या है, प्रत्यथन ग्रहत एक्स्ट्रा 2 बताए हैं। अब पढ़ेंगे कि किसका क्या क्या स्थान है। ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद श्लोक में देखेंगे क्या क्या है। देखो सतत जो है, मैंने बताया था सर्वदेहानुगम स्तब्धा, किसके लिए है, संतत के लिए। इसमें स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, संतत है पहला जो है वो, संतत के लिए, सेकंड जो है सतत के लिए। तो संतत में अधिष्ठान क्या है, पूरा सर्व शरीर में, सर्वदेहानुगम स्तब्धा बताया था संतत के लिए। फिर धातु कौन सा है, धातु है रस धातु, पर्टिकुलर एक धातु पूछेगा तो रस धातु। वो जो हमने पढ़ लिया कि आश्रय क्या है, टोटल 12 सप्त धातु इस तरह का शब्द है, लेकिन पर्टिकुलर एक ऑप्शन देकर इसको लगाना है, मीन्स रस धातु होगा तो रस धातु भी होगा आंसर। ठीक है, रस धातु से पहले तो उसका है इन्वॉल्व होता है, कौन सा धातु ज्यादा इन्वॉल्व होता है इस तरह का बताया है। मीन्स संतत ज्वर जो है रस धातु को इन्वॉल्व करता है ज्यादा, सप्तक ज्वर है रक्त धातु को, अन्य दुष्को जो है मेद और बाकी अस्थि मज्जा, ये सभी है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना ये चरक वाइज है, इसमें चरक के अनुसार मांस नहीं है, ये याद रखना है फर्स्ट थिंग। रस रक्त मेद है अस्थि मज्जा है, बाकी एक एक है, लेकिन मांस नहीं है, इसको हटा देना है अकॉर्डिंग टू चरक। ठीक है, ठीक है, इस तरह का। फिर नेक्स्ट चलते हैं सुश्रुत ने क्या बताया है। देखो सुश्रुत ने, मैंने बताया था कि संतत ज्वर जो है सुश्रुत ने नहीं माने हैं विषम ज्वर के अंदर, क्योंकि संतत ज्वर जो है वो निष्प्रत्यनिक, वो कंटिन्यू होता है, तो नहीं माने हैं संतत ज्वर को, यहाँ बताया कि खाली है उसमें। देखो फिर सतत ज्वर में सुश्रुत ने क्या धातु बताए हैं, रस एंड रक्त, दोनों धातु आएगा। ठीक है, रस एंड रक्त, ठीक है, यहाँ पर रस भी है और रक्त भी है। ठीक है, रस एंड रक्त दोनों चीजें हैं। ठीक है, फिर अन्य दुष्क में क्या आएगा, रक्त एंड अन्य दुष्क में मांस आएगा। ठीक है, ओनली चरक ने हटाया था इसको, मांस नहीं है लेकिन बाकी सब में है मांस। ठीक है, तो अन्य दुष्क में रस रक्त के बाद मांस आ गया, फिर उसके बाद मेद, फिर चतुर्थक में अस्थि मज्जा। तो इसको एक फोटोग्राफी मेमोरी करके इसको याद रखें कि जो है संतत को तो हटा दो, सतत में रस रक्त आ गया, दो धातु आ गया, मिडिल में दो धातु मांस मेद हो गया, लास्ट में दो धातु, तो दो ऊपर सबसे नीचे दो, दो नीचे, तो इस तरह का है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ठीक है, रस रक्त है गया एक में, मांस एक, मेद एक, अस्थि मज्जा में एक। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू भागवत। भागवत ने सेम चीजें ये क्या किया, भागवत ने सारे मीन्स सब चरक सुश्रुत दोनों को फॉलो करके लिखेंगे, तो क्या किया, ये रस मान लिए। ठीक है, जैसे सुश्रुत ने माने हैं, जैसे चरक ने जैसे माने हैं, रस मान लिए, रक्त मान लिए, मांस को भी मान लिए, मेद को भी मान लिए। ठीक है, लास्ट में देखो लास्ट में क्या किया कि अस्थि मज्जा को लास्ट में रख दिए। ठीक है, अस्थि मज्जा को लास्ट में रख दिए। ठीक है, और बाकी रस रक्त मांस मेद लास्ट में दो धातु है,
लेकिन सुश्रुत के अनुसार फर्स्ट में दो धातु है, पूरा लास्ट में भी दो धातु है, और बागवत के अनुसार ओनली लास्ट में दो धातु है, ठीक है याद रखना। फिर देख याद रखें कि कैसे काल क्या क्या है, कौन सा काल में ये आता है। देखो बातज में 7 7 दिन आता है कंटिन्यूअसली, पित्तज में 10 दिन कंटिन्यूअसली, जैसे लिखा हुआ कि लगातार आना है इसको। 12 दिन में क्या होता है, कफज का कंटिन्यूअली 12 दिन ज्वर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ बताया गया कि अन्य सतत ज्वर में काल क्या क्या है। देखो इसमें दिन रात में 2 बार, मीन्स जो है 24 आवर में 2 बार आएगा। इसका जो एपिसोडिक जो है, एपिसोडिक जो फीवर हो आएगा वो है 24 आवर में 2 बार आएगा, ठीक है। सतत सतत मीन्स ये सेकेंड विषम ज्वर है, और सतत मीन्स तो जो सेम लेटर है, तो सेम लेटर से हम याद रखेंगे सतत तो है ये 2 बार आएगा। तो दो लेटर है, 2 बार आया है, तो इसका जो अटैक जो है वो 24 आवर में 2 बार आएगा, ठीक है। फिर अन्य दुष्ट जो है, इसमें दो रे दिन में लिखा है, लेकिन इसमें ऐसे याद रखो कि 24 आवर में 1 बार आएगा। अन्य दुष्ट जो है 24 आवर में 1 बार आएगा, 24 आवर में 1 बार, और सतत जो है 24 आवर में 2 बार, ठीक है। अन्य दुष्ट मीन्स अन्य मीन्स एक अन्य एक, ठीक है, ऐसे एक एक बार आएगा, और सत तो है तो 2 बार आएगा, दिन में 2 बार, दिन रात में 2 बार, ठीक है। फिर तृतीयक, तृतीयक जो है तीन रे दिन में, इस तरह का लिखा है, लेकिन ये समझने के लिए याद रखो कि पहला दिन सपोज ये आज मेरा आज ज्वर हो गया मुझे, ठीक है, तो बीच में एक दिन गैप रहेगा, इस तरह यहाँ जो है एक दिन गैप रहेगा, और फिर परसों आ जाएगा मुझे फिर से ज्वर, ये हो गया तृतीयक ज्वर में, ठीक है। ये ऐसे याद रखना है, मीन थर्ड डे में ज्वर आ रहा है, पहला आज हो गया, कल कुछ नहीं होगा, फिर परसों आएगा, तो थर्ड डे में ज्वर आ गया, तो तृतीयक ज्वर उसको माना गया, उसको बोलते हैं, ठीक है। और चतुर्थक ज्वर उसमें क्या होगा, देखो चौथा दिन में, मीन्स सपोज आज ज्वर हो गया, बीच में 2 दिन गैप, फिर चौथा दिन जो है उसमें ज्वर आएगा, ये इस तरह का ये है चतुर्थक ज्वर। फिर अधिष्ठान में जैसे सतत ज्वर में आ जाए, अधिष्ठान में आ जाए, सतत ज्वर जो है संतत के लिए जो है सर्व शरीर, फिर सतत के लिए है आमाशय। अन्य दुष्ट जो है देखो सर्व शरीर हो गया, फिर आमाशय में आ जाओ, स्टोमक रीजन में आ जाओ, फिर स्टोमक से थोड़ा ऊपर चलेंगे पूर्व प्रदेश, अन्य दुष्ट हो गया, फिर ऊर्व प्रदेश से कंठ ऊपर थोड़ा चले गए, ठीक है, तृतीयक, फिर कंठ से ऊपर चलेंगे सिर चतुर्थक, ठीक है, सर्व शरीर हो गया, सर्व शरीर से आमाशय, आमाशय से थोड़ा ऊपर हो गया ऊर्व प्रदेश, ऊर्व प्रदेश से कंठ, कंठ से सिर, इस तरह का जो है क्रम से हम याद रख लेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि अन्य दुष्ट ज्वर, देखो हमने संतत पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे सतत और अन्य दुष्ट के लिए। सतत के लिए पहले पढ़ेंगे, देखो मैंने बताया था सतत ज्वर जो है चरक के अनुसार क्या है, धातु क्या है, रक्त धातु, यह लिखा हुआ है रक्त धातु श्रय प्राय दोष सततकम ज्वरम सप्रत्यनिक। देखो तो सप्रत्यनिक मीन्स कि वो एपिसोडिक है, सतत ज्वर जो है 24 आवर में 2 बार आता है, ठीक है, तो एपिसोडिक है। निष्प्रत्यनिक किसके लिए था, संतत ज्वर के लिए, संतत, ठीक है, ध्यान देना ये सभी चीजों को, और वो संतत के लिए निष्प्रत्यनिक, सतत के लिए सतत, और बाकी जो नीचे जितना भी विषम ज्वर है ये सब के लिए सप्रत्यनिक है, ठीक है, सप्रत्यनिक मीन्स एपिसोडिक होगा। सप्रत्यनिक कुरीते काल वृद्धि ख्यात्मक वो है अहरात्रि सतत को दो काल अनुवर्तित है, अहरात्रि मीन 24 आवर में दो काल मीन 2 बार अटैक होगा, ठीक है। इस तरह का अन्य दुष्ट में आते हैं काल प्रकृति दुष्या नाम प्रपेवान एतवान बलम अन्य दुष्ट ज्वर दोष रुद्धवा मेदवा शिरा, ठीक है। सप्रत्यनिक, यहाँ पर भी सप्रत्यनिक है, जनयत एक काल अहर निशी,
देखो, काल प्रकृति दुष्यानाम प्राप्यवान एतवान बलम। ठीक है, काल प्रकृति दुष्य जो है एक जगह पर एक अलाइन में हो जाएगा तो होगा डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रीटमेंट करने में जो है संतत ज्वर में जो है। ठीक है, लेकिन अन्य दुष्क में क्या है, मीन्स काल दुष्य प्रकृति दुष्यनाम ये एक अलाइन पे नहीं है। ठीक है, इनमें से बस एक ही पॉइंट है एक अलाइन में, बाकी सब अपोजिट है। जैसे इसमें बताया गया है कि काल प्रकृति दुष्यनाम प्रपेवान एतवान बलम, मीन्स इसमें से कुछ एक चीजें जो है दोष के साथ एक अलाइन पे है, बाकी सभी अपोजिटली है। ठीक है, मीन्स सपोज बात मीन्स सपोज कफ दोष हो गया और दुष्य में जैसे रस धातु हो गया, तो ये थोड़ा आ जाएगा इसमें अन्य दोष के, मीन्स किसी एक चीजों में सिमिलरिटी होना, बाकी का ऑपोजिट हो जाना, तो अन्य दुष्क में हो गया। और रुद्धवा मेधवा शिरा, देखो पहले रस हो गया संतत का, चरक के अनुसार बता रहा हूँ, सतत हो गया रक्त, अन्य दुष्क हो गया मांस तो नहीं है, तो अन्य दुष्क हो जाएगा मेध में। और जनयत एक काल आहार निशि जो है उसमें जो बताया था, जैसे एक दिन गैप देकर फिर चाहेगा वो आटा। ठीक है, फिर आ गया तृतीयक ज्वर। तृतीयक ज्वर जो है देखो लिखा है उसमें, तृतीयक ज्वर में तीन टाइप का है। ठीक है, तृतीयक ज्वर तीन टाइप का है, क्या क्या है, एक तो कफपित्त तृकग्राही। ठीक है, ये एक है कफपित्त तृकग्राही, मीन तीन चीजें क्या क्या है, तृकग्राही पृष्ठग्राही एंड शिरग्राही। ठीक है, तीन चीजें हो गया, तृकग्राही पृष्ठग्राही और शिरग्राही। तो तृकग्राही का दोषिक प्रेडोमिनेंस पूछता है, पृष्ठग्राही का दोषिक प्रेडोमिनेंस एंड शिरग्राही का दोषिक प्रेडोमिनेंस। तृकग्राही का दोषिक प्रेडोमिनेंस देखो कफ एंड पित्त। ठीक है, कफ एंड पित्त, देखो तृक प्रदेश मीन्स हम कौन सा जगह पर, जो जैसे फीमर फीमर बोन ईश्चियम इलियम ईश्चियम पीबीज, ये तीनों जैसे फ्यूज हुए हैं एक जगह पर, तो उसको हम तृक रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये एक तृक रीजन है, तो मीन्स वो क्या हो गया कटी रीजन। ठीक है, कटी रीजन, तो कटी रीजन में नॉर्मली क्या दोष प्रेडोमिनेंट रहेगा, वात दोष प्रेडोमिनेंट रहेगा, लेकिन वात दोष नहीं रहेगा इसमें याद रखना है। मीन्स जो दोषिक प्रेडोमिनेंस होगा वो स्थान के वाइज जो प्रिडोमिनेंट दोष है उसके ऑपोजिट जो दो दोष हो गए उसी दोष को होगा। ठीक है, जैसे त्रिकोग्राही में एक्चुअली बात दोष है, लेकिन दोषिक प्रिडोमिनेंट त्रिक प्रदेश में बात दोष है, त्रिकोग्राही में प्रिडोमिनेंस है बात पित्त, सॉरी कफ पित्त। फिर पृष्ठग्राही, पृष्ठ समझ लो कि मिडिल पार्ट ऑफ एरिया, मीन्स आमाशय रीजन का वो सब एरिया पृष्ठ एरिया। ठीक है, तो वो उसमें क्या होगा, नॉर्मली पित्त बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन पृष्ठग्राही का जो प्रिडोमिनेंस है वो है बात कफ, मीन्स पित्त नहीं रहेगा। ठीक है, फिर शिरग्राही, शिर में क्या होता है कफ का प्रेडोमिनेंट रहता है, लेकिन इसका दोषी क्या रहेगा, शिरग्राही का क्या होगा, पित्त बात और पित्त अपोजिट चीजें रहेगा। ठीक है, फिर चलेंगे चतुर्थक ईयर में। चतुर्थक ज्वर जो है द्विविध टाइप कितना है, द्विविध, एक तो जंघाभ्याम, एक तो जंघाभ्याम होगा और एक सिर। ठीक है, सिर और जंघा, देखो सपोज ये एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है और उसमें ठीक है, तो इसमें क्या जंघाभ्याम, जंघा रीजन मीन्स जो काफ रीजन उसमें क्या होता है नॉर्मली, और सिर में क्या होता है नॉर्मली। देखो सर में वायु जो है वो हल्का होता है तो वो ऊपर तक ऊपर चले जाएगा, और कफ जो है वो वेट वाला वजनदार होता है तो वो नीचे आएगा। तो श्लेष्माभ्याम जंघाभ्याम श्लेष्मिकम में जंघा जो काफ रीजन है नीचे वाला पोर्शन है उसमें कफ जमा हो जाएगा, और सिर वाला पोर्शन में अनिल मीन्स वायु वायु रहेगा, मीन्स वायु ऊपर चले जाएगा कफ नीचे बैठ जाएगा, तो शिरस्तम अनिल संभव बताया गया कि शिरस्त अनिल संभव, सिर प्रदेश में वायु प्रकोप वायु रहेगा और जंघा प्रदेश में कफ प्रेडोमिनेंट रहेगा। तो द्विविध हमारे जंघाभ्याम और शिरभ्याम, इस तरह करके दो टाइप है चतुर्थक ज्वर का, याद रखें दो भेद है। फिर आप पढ़ेंगे कि धातुगत ज्वर है जो क्या है इसमें, देखो पहले
रस धातु का पढ़ेंगे, देखो छड़ी और अचक, तो इसमें ऊपर है जो है 76 में बताया गया है, छड़ी और अचक जो है लाइन दिया गया, छड़ी और अचक जो है इंपॉर्टेंट है, बहिस्ताप, ठीक है ये है बहिस्ताप और संगमर्द विजृंभणम, ठीक है बहिस्ताप संगमर्द विजृंभणम, ये सारे इंपोर्टेंट लाइन है, इसमें से बहुत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है धातु के जोर से। सर्दी और चक हो गया इंपोर्टेंट, बहिस्ताप मीन्स बाहर थोड़ा मीन्स तापना रहेगा, मीन्स उत्तापन रहेगा तो टेम्परेचर रहेगा, बहिस्ताप स अंगमर्द रहेगा क्योंकि कफ रिलेटेड मीन्स ये रस रिलेटेड है, और विजृंभणम रहेगा, ठीक है कंपैरेटिव पढ़ेंगे एक एक करके। अभी देखते हैं रक्त धातु ज्वर का क्या देखा लक्षण, रक्त उष्णम पिड़का तूष्णम सरक्त स्टिवनम मुहु दाह राग भ्रमम मदम प्रलाप स रक्त संक्षिप्त। देखो तृष्णा याद रखना है हमको, तृष्णा याद रखेंगे और प्रलाप याद रखेंगे, ठीक है भ्रम भी याद रखेंगे, ठीक है भ्रम तो है रक्त के लिए याद रह जाएगा कोई याद नहीं, इसमें दाह याद रखेंगे, ठीक है फिर देखते हैं रस रक्त मांस का क्या हो गया। देखो अंतरदाह स तृण मोह, अंतरदाह देखो बहिस्ताप किसमें आ गया रस में था, बाहर तापना होना टेम्परेचर बढ़ जाना, अंतरदाह अंदर के ओर टेम्परेचर बढ़ जाना, अंतरदाह है मांस में, ठीक है मांस थोड़ा अंदर रहता है, और रस जो है रस धातु जो है त्वक रिलेटेड है मीन्स स्किन रिलेटेड, ठीक है तो बहिस्ताप में स्किन में जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रस धातु में आएगा, अंतरदाह मीन स्किन के अंदर रहता है मांस धातु मीन थोड़ा शरीर के अंदर रहता है तो अंतरदाह आएगा मांस धातु में। फिर क्या देखो लक्षण, अंतरदाह सतृण मोह स्वग्लानी, सग्लानी इंपॉर्टेंट याद रखना है, सुष्ट बीट कथा ये प्रश्न करना है, सुष्ट बीट कथा जिसमें बीट जो है सृष्टि हो जाना ज्यादा निकलना वो होगा मांस धातु का ज्वर में दिया, ये अच्छे से याद रखना, सुष्ट पिट कथा पता नहीं चलेगा इसको। फिर दुर्गंध है, ओनली दुर्गंध है, ठीक है दुर्गंध ओनली दुर्गंध है मांस धातु में है। फिर गात्र विक्षेप, गात्र विक्षेप याद रखना, गात्र विक्षेप यहाँ है अस्थिगत में हुआ इस तरह का पाएंगे, अगले देखिए देखते हैं विक्षेप प्रणाम से गात्र में अस्थिगत इसमें है, ठीक है देख अभी देख लेते हैं अस्थिगत में, देखो विक्षेप प्रणाम से गात्र नाम, ठीक है देखो हम सपोज कुछ हम मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं तो मेन जो पार्ट है कौन सा हमारा पार्ट जो बॉडी मूवमेंट में सबसे ज्यादा निभाता है वो क्या है अस्थि, पहले तो अस्थि मूवमेंट होगा फिर जब बाकी स्ट्रक्चर तो उसके साथ होगा ही, तो विक्षेपणम च गात्राणाम में इसमें ये वर्ड से क्या प्रतीत होता है, थोड़ा ज्यादा जिसका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है मैं लाइन भी बड़ा है विक्षेपण चौगात्राम बड़ा लाइन है इंपोर्टेंस सबसे मोमेंट में इंपोर्टेंस सबसे क्या है अस्थिगत के लिए अस्थि का, फिर मांस का भी है ना वो मोमेंट के लिए इन्वॉल्वमेंट होता है, तो गात्र विक्षेप ओनली है छोटा सा काम है मांस का, गात्र विक्षेप छोटा सा वर्ड है, ठीक है और विक्षेपण चौगात्राम वो होगा अस्थि के लिए, ठीक है ओनली दुर्गंध है मांस के लिए आ गया, ठीक है तो आगे चलते हैं मेद के लिए क्या देखो, मेद के लिए है स्वगंध असत्व, देखो दुर्गंध हो गया मांस के लिए स्वगंध असत्व आ गया मेद धातु के लिए, और क्या है ग्लानि अरचक याद रखना, ग्लानि अरचक मेद धातु के लिए, ठीक है ग्लानि अरचक। छर्दी अरचक किसमें हम पढ़ लिए थे, छर्दी अरचक है रस धातु के लिए, ठीक है छर्दी अरचक हो गया रस धातु, ग्लानि अरचक हो गया मेद धातु, सोग्लानि ओनली सोग्लानि इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है सोग्लानि इसलिए मैं इतना इंपोर्टेंस दे रहा हूँ इस चीज को, सोग्लानि जो है मांस धातु के लिए, छर्दी अरचक हो गया रस धातु के लिए और ग्लानि अरचक हो गया मेद धातु के लिए, ठीक है और हो गया स्वेदस तिब्रा मेद धातु के लिए, हो क्या है स्वेद तिब्रा मेद धातु तीव्र स्वेद होगा, प्रलाप स प्रमा पिपासा च प्रलाप बम्यम, ठीक है पिपासा होगा, ठीक है
पिपासा इसमें है मेल धातु में, पसीना ज्यादा आएगा तो पिपासा ज्यादा होगा, स्वेद ज्यादा होगा पिपासा ज्यादा होगा, लेकिन तृष्णा है रक्त धातु के लिए देखो, ठीक है। छोटा 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 चीजें हैं, क्वेश्चन आता है सृष्ट बिट कथा याद रखना मार्क्स के लिए, ठीक है, क्योंकि सृष्ट बिट कथा है मार्क्स धातु के लिए। देखो अस्थि मज्जा के लिए एक बता रहा हूं, देखो अस्थि मज्जा का बीरेक बिमनम च अभे, ठीक है, बीरेक बिमनम च अभे मीन्स बीरेक और बमन का होना, यह अस्थि धातुगत ज्वर का लक्षण है, ठीक है। बीरेक बीरेक बमनम च अभे अस्थि धातुगत, और सृष्ट बिट कथा का मांस धातु में, ठीक है। फिर अरचक, अरचक किसमें किसमें है देखो, छर्दी अरचक हो गया रस धातु में, और ग्लानि अरचक हो गया मेद धातु में। तो सपोज एक अरचक कहाँ कहाँ है, वो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो उसका आंसर जाएगा मेद धातु एंड रस धातु, मीन्स रम पीकर अरचक हो गया, ठीक है। रम रम जो एक ब्रांड है वाइन का, वो पीकर क्या हो गया, अरचक हो गया। रम मीन्स रस एंड मेद, म से मेद, रस एंड मेद अरचक हो गया। फिर प्रलाप कहाँ का है, प्रलाप दो जगह पर है, एक रक्त में है प्रलाप, और एक यहाँ पर भी है मेद में भी है, ठीक है, रक्त और मेद में दोनों में प्रलाप है, तो क्या हो गया, रम पीकर प्रलाप हो गया, ठीक है। रक्त और मेद जो है रम, रम पीकर प्रलाप हो गया, मीन्स रक्त एंड मेद, यहाँ रक्त और मेद दोनों में है, ठीक है, रक्त और मेद में रम पीकर प्रलाप हुआ, ठीक है। याद रखना है सुश्रुत ने क्या बताया है, या देखो सुश्रुत ने पिंडी का उद्वेष्टन बताया है, देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सुश्रुत का, पिंडी का जो लक्षण सुश्रुत ने अधिक ने बताया है, ये एक थोड़ा ज्यादा बताया कि सुश्रुत ने पिंडी का उद्वेष्टन, पिंडी का मेन से वो काफ मसल में उद्वेष्टन होना, ठीक है, पेन होना, तो काफ एक मसल है, ठीक है, तो वो मांस धातु के लिए होगा, लक्षण किसमें आएगा, मांस धातु में, ठीक है, सुश्रुत के अनुसार। फिर चलते हैं एक एक, मेद का हो गया, अभी अस्थि धातु का और क्या बचा है, देखो बिरेक बमनम चाभे सस्थि प्रभेद प्रकुंजनम, विक्षेपणम च गात्रणम बता दिया था, और गात्र विक्षेप बता दिया था मांस में, विक्षेपणम च गात्रणम में अस्थि, श्वास श्वास जो है ओनली श्वास है, ट्रिपल स्टार कर लो, ये है अस्थि के लिए, ठीक है। लेकिन नीचे देखो मज्जा धातु के लिए क्या है, हिक्का श्वास तथा कासम, मज्जा धातुगत ज्वर में हिक्का होगा, कास होगा, श्वास होगा, सब होगा, लेकिन ओनली श्वास जो है वो है अस्थिगत धातु ज्वर में, ठीक है। फिर और क्या आ गया, तमसश्च अति दर्शनम, देखो तम दर्शनम भ्रम होना, तिमिर दर्शनम, ये सभी मज्जा धातु रिलेटेड है, जो उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं धातु क्षय वगैरह उस सब में लक्षण है, तमस अति दर्शन मज्जा धातु के लिए आ जाएगा। मर्म छेद बहिर्सैत्य दाह अंतश्चैव मज्जगे, ठीक है, क्या क्या हो गया, मर्म छेद होगा बहिर्शैत्य दाह अंतश्चैव, देखो मज्जा में क्या होगा, बहिर्शैत्य बाहर ठंड मीन्स कोल्ड रहेगा, अंदर क्या होगा गर्मी रहेगा मीन्स जलन रहेगा, दाह अंतश्चैव मज्जगे मज्जा धातु, इस तरह का जो है सिम्टम, देखो मज्जा धातु अस्थि के अंदर रहता है, ठीक है, अंदर रहता है अस्थि के अंदर, और क्या होता है देखो, तो क्या होगा, बाहर ठंड मीन शीतल रहेगा, और धातुगत ज्वर है, मज्जा धातु अंदर है अस्थि के अंदर है, तो दाह अंतश्चैव, ठीक है, दाह किसमें होगा, ज्वर है तो दाह होगा, दाह अंतश्चैव अंदर जो है मज्जा के अंदर दाह होगा, मीन्स दाह मीन्स अंदर जो है शरीर के अंदर में दाह होगा, ठीक है। तो बहिशैत्य दाह अंतश्चैव यह है मज्जा में आएगा, ठीक है। फिर शुक्र धातु का देव में देखें कि शुक्रमक्ष्य कृत्वा विनाशश्च, जब मीन्स इस शुक्र का धातु शुक्र धातु का ज्वर है
और उसी कंडीशन में शुक्र क्षय हो गया, शुक्र में डिस्चार्ज हो गया, शुक्र क्षय हो गया, तो क्या होगा, कृत्वा विनाश, पूरा विनाश हो जाएगा, ठीक है, मीन्स पूरा मृत्यु हो जाएगा। प्राण वायु अग्नि समस्त सार्ध गच्छते असौ विभु, क्या हो जाएगा, वायु अग्नि सम के साथ, ठीक है, जब आत्मा क्या होगा शरीर से बाहर निकल जाएगा, इस कंडीशन में शुक्र मक्ष करेगा, तो वायु प्राण जो है, वायु अग्नि सोम जो है शरीर, शरीर का जो है क्लेद मीन जो जलीय अंश है, उसके साथ क्या होगा, गच्छते असौ विभु, विभु किसके लिए सिनोनिम बताया था, आत्मा के लिए, तो आत्मा निकल जाएगा ये सभी को साथ, वायु अग्नि के साथ, ठीक है, इस तरह का लाइन देकर पूछेगा कि कौन सा जाता है, ठीक है, वायु सोम प्राण वायु अग्नि सोमश्च सार्ध गच्छते विषु। तो जो कंपैरेटिव जैसे बताया था, बहिस्ताप क्या हो गया, रस के लिए दाह, अंतश्चैव जो है रक्त के लिए, अंतर्दाह वो उसके लिए है, एक बार एक टेबुलर फॉर्म में देख लेंगे इसको। टेबुलर फॉर्म में जैसे देखो, सरक्त स्टीवन हो गया रक्त के लिए, अंतर्दाह हो गया मांस के लिए, ठीक है, और मेद धातु के लिए हो गया सोगंधा सत्व, और दुर्गंध हो गया मांस धातु के लिए, स्वेद होगा ज्यादा तीव्र पिपास होगा, ये सभी मेद धातु के लिए, प्रलाप होगा कहाँ कहाँ, रोम रक्त में, देखो प्रलाप यहाँ पर भी है रक्त में और मेद धातु के लिए भी है, ठीक है, फिर विरेक विमनन चाभे जो हो गया अस्थि के लिए हो गया, प्रकुंजनम जो है अस्थि के लिए, ये भी ध्यान देना प्रकुंजनम, ठीक है, साउंड होगा अस्थि से ही साउंड होता है, मज्जा धातु का तो क्या है, मर्मच्छेद बहिश्चेत्य दाह अंतश्चेद इस तरह का, और शुक्र मक्ष कृत विनाश वो शुक्र धातु के लिए। इसमें हम देखेंगे कि साध्य असाध्यता क्या है, मीन्स कौन सा धातुगत जोर जो है वो साध्य है, कौन सा असाध्य है, कौन सा कुचल साध्य है, हम याद रखेंगे 421 रेशियो से, 421, 421, ठीक है, 421 ये कोड है इसके लिए है, और 313 ये है कुष्ठ के लिए, अभी से बता रहा हूं याद रख लो, ये कुष्ठ के लिए, वहां पर भी कुष्ठ चिकित्सा जो पढ़ेंगे वहां पर ही बताऊंगा, ये कुष्ठ के लिए 313 और ज्वर के लिए 421। 421 क्या है, देखो 421 मीन्स जो चार धातु, पहले का जो चार धातु रस रक्त मांस में, ये सभी साध्य, ठीक है, और अस्थ फोर हो गया, ये टू क्या है, अस्थि मज्जा, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा आ गया, उसके बाद कष्ट साध्य में, अस्थि मज्जा कष्ट साध्य में, और लास्ट में जो शुक्रगत जो है वो असाध्य में आ जाएगा, ठीक है, 421, फोर हो गया फोर धातु साध्य, दो धातु कुचर साध्य, और लास्ट में जो वन मीन्स एक धातु जो लास्ट में वो है असाध्य, ठीक है, ये साध्य से बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रखना जो 421 जो टू जो है वो कुचर साध्य है, ठीक है, जो टू है वो याद रखना, क्योंकि बाद में जो कुष्ठ कुष्ठ में आगे आगे बढ़ाऊंगा वो सब में थोड़ा अलग अलग है, और उसी के हिसाब से भी याद रखना है। और मैंने जैसे बताया था वर्षा ऋतु में वात जो जो है कष्ट साध्य है, शरत और बसंत ऋतु में जो है कफ जो है वो सुख साध्य है, इस तरह टेबुलर फॉर्म में देखो, और फिर देखो वैकृत ज्वर जो है, जैसे बसंत ऋतु में वात पित्त ज्वर हो गया वो तो कष्ट साध्य होगा ही, ठीक है, ठीक है, कष्ट साध्य होगा, और शरत ऋतु में वात कफ ज्वर जो है वो कष्ट साध्य हो जाएगा। देखो ये चीजों में कंफ्यूज मत होना, ये है ज्वर का जो साध्य असाध्यता इस तरह का, बसंत वात पित्त ज्वर जो है कष्ट साध्य, ये एक्सेप्शनल चीजें हैं, नॉर्मली क्या होता है, बसंत ऋतु में मीन्स कफज ज्वर जो हो गया, कफज ऋतु मीन्स बसंत में कफज ज्वर, ये क्या होता है, ये एक एलाइन पे हो गया, मीन्स दोष और इसका काल जो है वो सेम हो गया, तो ये डिफिकल्ट टू ट्रीट होना चाहिए, मीन्स कष्ट साध्य होना चाहिए, लेकिन ये कष्ट साध्य नहीं है, ज्वर जो है एक्सेप्शन है, ये याद रखना है, ज्वर और मधुमेह ये सारी कुछ चीजें जो है वो एक्सेप्शनल चीजें हैं,
मीन जो नॉर्मल रूल से थोड़ा बाहर है, ठीक है। देखो इसमें देखो, बसंत ऋतु में वात पित्त ज्वर, ये अपोजिट हो गया ना। बसंत तो नॉर्मली कफ पड़ता है, और वात पित्त कफ ज्वर होगा तो ये सुख साध्य मीन इजीली क्योर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कष्ट साध्य बताया गया, क्योंकि ये एक्सेस ज्वर का जो भी है साध्य साध्य था, ये ऋतु और दोष और ऋतु के अनुसार जो है ये अपोजिट है, ये याद रखना, ठीक है। ज्वर और प्रमेह ये दोनों चीजें याद रखना, ये एक्सेप्शन है, जो साध्य असाध्यता रिलेटेड है वो एक्सेप्शन है। अभी समझ में नहीं आ रहा तो प्रमेह के चैप्टर में और भी थोड़ा उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, हम पढ़ रहे इसमें और क्या रहेगा, देखो फिर आते हैं कि वात पित्त ज्वर का लक्षण क्या है। वात पित्त ज्वर का लक्षण में इसमें आएगा सिरुरुक परवणा भेद, इस तरह का लाइन लेकर पूछेगा, AIPGT में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, याद रखना सिरुरुक परवणम भेद, ये कौन से ज्वर का लक्षण है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। सिरुरुक सिर में दर्द होना, मेनली वात जब पित्त जब दोष से नॉर्मली दो सर में दर्द वगैरह होता है, ठीक है। सिररुग तो यहाँ बताया, सिररुग जो है यहाँ है, वात पित्त में और किसी में नहीं है। सिररुग पर्वण भेद, पर्व में भेद होना, ये भेद जो है वातज का लक्षण है, तो पर्व में भेद होना, ठीक है, ये वात पित्त ज्वर का लक्षण हो गया। फिर कंठास्य शोष जो है, देखो तृष्णा का जो है दोषी पीड़ा में वात पित्त होगा तो तृष्णा वगैरह दोष भी आएगा, ठीक है। तो कंठास्य शोष बमतु तृष्णा ये सभी आएगा, ठीक है। स्वप्न नाश अतिवाग जुम्हा, देखो कफ से सपना में जो है स्वप्न जो है नींद जो है वो बढ़ता है, बात पित्त से वो है सपना सपना नाश हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का सपना नाश और किसी में नहीं है, वात पित्त ज्वर में स्वप्न नाश अतिवाग जुम्हा वात पित्त ज्वर का लक्षण है। फिर वात कफ ज्वर का लक्षण में देखो शीतक गौरव तंद्रा स्तव मित्य परवणाम स्वरूप, देखो नॉर्मली देखो एज लॉजिक लगाओगे मीन वातज कफ ज्वर, तो उसमें बहुत वातज का गुण सारे देखो, शीत स्तंभ मीन्स ऐसे गुरु सॉरी शीत स्तंभ ये सभी है, शीतल रिलेटेड कफज का भी शीतल रिलेटेड, तो शीत से ज्यादा शीत से क्या होगा लक्षण, देखो शीतक शीत से क्या होगा, गौरवता आ जाएगा, तंद्रा आ जाएगा, स्तौमित्य जैसे गीला कपड़ा किसी ने ओढ़ लिया हो इस तरह का फीलिंग होगा, परवणाम स्वरूप ये भी है, ठीक है। देखो शीत हो गया ज्यादा शीत से क्या होगा, स्वेद अप्रवर्तनम ये लाइन है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेज वगैरह हो जाए ब्लॉकेज हो जाएगा इसमें। फिर संताप मध्य वेग, संताप क्या होगा मध्य वेग, ये याद रखना है नॉर्मल लॉजिक से, ये सब याद रहेगा, इसे रटने की चीजें नहीं है, बस रीडिंग करना है, ठीक है, नहीं याद रह रहे कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस रीडिंग करना है समझ समझ कर ये सिम्टम क्यों हुए। शीतक गौरव तंद्रा स्तो मित्र परवणा के रूप, इसमें तीन ऑप्शन होगा, वात पित्त वात कफज और कफ पित्त, तो इसमें ऐसे लॉजिक में भी आ जाएगा कि ये सारे शीत गुण है, तो ये हो गया वात कफज में, ठीक है। फिर इस तरह का देखो कफ पित्त में क्या होगा, मुहूर् दाह मुहूर् शीतम स्वेद स्तंभ मुहूर् मुहूर्, देखो दाह होना इसका लक्षण पित्त का, शीत होना कफ का, तो ये कफ और पित्त ज्वर में आएगा, ठीक है, मुहूर् दाह मुहूर् शीत। फिर आ गया देखो स्वेद और स्तंभ, स्वेद होना पित्त का पित्त ड्यू टू पित्त गुण पित्त का, और स्तंभ होना कफ से, ठीक है, तो ये पित्त और कफ का गुण है, ये लाइन देकर पूछेगा, ठीक है। सारे देखो दाह शीत होना, फिर स्वेद मीन्स पित्त से, फिर स्तंभ होना, ये सारे मुहूर् दाह मुहूर् शीतम स्वेद स्तंभ मुहूर् मुहूर्, ये हो गया कफ पित्त ज्वर में, क्योंकि सम दोष सन्निपात ज्वर आएगा उसमें क्षण दाह क्षण शीत इस तरह का है, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, इसमें याद रखना कि कफ पित्त ज्वर में है मुहूर् दाह मुहूर् शीतम और स्वेद स्तंभ भी है, ये याद रखना है पूरा लाइन याद रखना है, स्वेद जो है पित्त से और स्तंभ जो है कफ से।
ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं। फिर यहाँ है कि कुछ ऐसे धातुगत में, सॉरी, दोषिक प्रिडोमिनेंस के वाइज सारे सानिपातिक ज्वर का वर्णन किया गया। ठीक है, टोटल जो सानिपातिक ज्वर है वो 13, टोटल सानिपातिक ज्वर क्वेश्चन आता है कि टोटल सानिपातिक ज्वर कितना है, 13। तो उनमें से 13 क्या क्या हो गया, मीन जैसे दोषिक प्रिडोमिनेंस मीन्स कफ प्रधान वातकहीन पित्तहीन, तो पित्त प्रधान कफहीन वातहीन, इस तरह का जो पजल करके टोटल 13 समसानिपातिक ज्वर वर्णन किया गया। ठीक है, तो उनमें से हम सारे का सारे सिम्टम याद रखना जरूरी नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से। एक दो चीजें याद रखना है, जैसे पित्त प्रधान हो गया, पित्त प्रधान है, कफ मध्य है और वातहीन है, तो उसी कंडीशन में क्या करना है, लक्षण क्या है। लक्षण होगा हरिद्र मूत्र नेत्र, पित्त प्रधान है तो हरिद्र नेत्र मूत्रत्व, दाह तृष्णा अरुचि भ्रम, ये सभी है। ठीक है, मीन्स यहाँ याद रखो कंडीशन पूरा पित्त प्रधान, कफ थोड़ा कम है, वात पूरा हीन है। ठीक है, यहाँ देखो एक आइडिया, पित्त यहाँ है, पित्त प्रधान कफ वात हीन, दोनों चीजें पूरा हीन है और ओनली पित्त बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में लक्षण क्या होगा, रक्त वीण मूत्रदा, ये दोनों चीजों को बस थोड़ा ध्यान दे देंगे। देखो ओनली पित्त बढ़ा हुआ है तो उसमें रक्त निकल देगा, वो मीन्स इतना मल मूत्र में क्या होगा, रक्त निकल जाएगा, मूत्र से रक्त निकल देगा, वो ओनली पित्त बढ़ा हुआ है। सपोज उनके पित्त के साथ कफ भी थोड़ा है, यहाँ देखो कफ पित्त प्रधान कफ मध्य, कफ भी थोड़ा है तो क्या होगा, ओनली पीलापन आ जाएगा, थोड़ा पीलापन से ज्यादा एग्रावेटेड होगा तो भी रक्त निकलेगा, तो ओनली पित्त प्रकोप से रक्त वीण मूत्र नेत्रता होगा, और पित्त प्रधान कफ मध्य, कफ भी थोड़ा है तो उसमें ओनली पीलापन आएगा, थोड़ा माइल्डर कंडीशन। ठीक है, माइल्डर केस है, हरिद्र नेत्र मतलब थोड़ा माइल्ड हो जाएगा वो पित्त, तो हरिद्र नेत्र होगा। फिर देखो कफ प्रधान वात मध्य पित्त ही ना, इस कंडीशन का क्या होगा, सित्त का गौरव तंद्रा प्रलाप अस्थि शिरलु। देखो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ कर आए हैं कि वात कफ ज्वर का लक्षण क्या है, क्या है, सित्त का गौरव तंद्रा वहां पर भी है, स्तोमित पर्वणांच रूप था, वात कफ ज्वर थोड़ी देर जो पहले हैं पढ़े हैं, सित्त का गौरव तंद्रा स्तोमित पर्वणांच रूप, ठीक है, वो वात कफ ज्वर का लक्षण। यहाँ क्या है, कफ प्रधान वही सेम चीज, बात कफ का प्रिडोमिनेंट थोड़ा रहना है। ठीक है, तो कफ प्रधान बात मध्य और पित्त ही ना, इस कंडीशन का, पित्त को छोड़ दो बाकी बात कफ प्रधान और पित्त बात मध्य है तो उसमें क्या लक्षण आएगा, सेम चीजें शीत शीत से क्या क्या होगा, शीत को गौरव तंत्र प्रलाप अस्थि शिर अतिरुक, ये चीजें थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि को, ठीक है, प्रलाप अस्थि शिर अतिरुक जो है कफ प्रधान वात मध्य पित्तहीन में, और शीतक गौरव तंद्रा प्रलाप सौमित्य पर्वण जो है वात कफ ज्वरम का लक्षण। ठीक है, फिर आया कि समदोषद सनिपात लक्षण ज्वर जो है पूरा लास्ट में, इसका जो है सारे लक्षण इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक देखो क्षीण दाह क्षीण शीतम अस्थि संधि शिर रुजा, देखो लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, इसमें जो जो ऑप्शन रहेगा उसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होता, इसमें एक बार देखो उसमें क्या क्या है, क्षीण दाह क्षीण शीत अस्थि संधि शिर रु सश्रावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने चापि दर्शन, सुनौ सरुजौ करणौ कंठे सुखे रिपावृत। ठीक है, तंद्रा मोह प्रलापस्य काश श्वास अरुचि भ्रमम परिदग्ध खरस्पर्श जिह स्वस्थांगता परम श्रीवनम रक्त पित्तस्य कफेन अनुमिश्रितस्य शिरस लुंठनम तृष्णा निद्रा दाह हृदय व्यथा श्वेत मूत्र प्रदीषणम चिरा दर्शन अल्पस कृशत्व न तिगात्राणाम प्रतत कंठ पूजनम ओठानाम रक्षाव रक्तानाम मंडलानाम च दर्शनम मुखत्व सुरक्षा पाकम गुरुत्व उदरस्यम च चिरा पाकस्य दर्शनम सन्निपात जरा। देखो इसमें हम एक एक ऑर्गन वाइज याद रखेंगे, देखो पहला का लाइन छोड़ दो, क्षीण दाह क्षीण शीत अस्थि संधि शिरोवृद्ध, ये इसका जो है हाईलाइटेड लाइन है, श्लोक है, इसमें ये क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ ये श्लोक से ही आता है।
क्षणधा क्षण शीत अस्थि संधि शिरोरुजा। ठीक है, कभी कभी दाह होगा, कभी कभी शीत होगा, अस्थि संधि में शिरोरुजा होना, ये सभी सामर्थ्य संवेद होगा। और क्या होगा देखा, देखो सहस्रावे कलुष रक्त निर्विघ्ने चरति दर्शन। ये आई रिलेटेड हो गया, पहले आई से स्टार्ट होगा, आई से क्या होगा, सहस्रावे कलुष रक्त, आई से क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, कलुष रक्त निर्विघ्ने चरति दर्शन है, जैसे स्टेयरिंग, जैसे एक जगह पर देखता रहता है, ठीक है, और रक्त निकलता है आंखों से, आंखों रिलेटेड सिम्टम हो गया। फिर आंख से चलते हैं कंठ से, स स्वनऊ स रुजऊ कर्णऊ, सॉरी कर्ण के ऊपर आ गया, आंख से साइड में लेटरली थोड़ा चला गया कर्ण से, स स्वनऊ स रुजऊ, कर्ण में क्या हो रहा है, सुन सुन जैसे सुन, स स्वनऊ सोना शब्द कुछ आना, और स रुजऊ रुजा होना कर्णऊ। फिर कर्ण से कंठ में आ गया, कंठ ही सुखे रिभावृत, कंठ में क्या है, जैसे सुख भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, उस तरह का फील होना, ठीक है। फिर ये मिडिल में थोड़ा ये अलग लाइन दे दिया, तंत्र प्रण प्रण पे इसको छोड़ दो, कुछ जैसे इंपोर्टेंट लाइन। फिर देखो जीवा रिलेटेड क्या हो गया, कंठ हो गया, कंठ से जब बाहर आएंगे तो क्या होगा, जीवा आएगा, परिदग्धा खर स्पर्श जीवा, जीवा कैसे परिदग्धा हो जाएगा, खरा हो जाएगा बहुत, जीवा स्वस्तांगता पर छोड़ दो, ठीक है। जीवा से लार टपकेगा, जैसे लार टपकते हैं तो क्या होता है, मुंह से लार टपकता है, जैसे स्टिबनम रक्त पित्तस्य, मुंह से क्या होगा, रक्त निकल गया, और कफन उन्मोषित, कफ के साथ रक्त और पित्त का निकलना, ये सही बताया गया है, ठीक है। जीभ से मुंह से लार टपकना, स्टिबनम रक्त पित्तस्य कफन उन्मोषित। फिर यहां से चला गया सिर तक, सिर का रिलेटेड सिर से लुंठनम तृष्णा निद्रा नाश हृदय था, ठीक है, सिर से लुंठनम, सिर से लुंठन हो जाना, ये सारे लक्षण जो है समझ शनिपद लक्षण है, ठीक है। ऑर्गन वाइज रख ले, पहले हम रख ले आंख के लिए, आंख से कर्ण, कर्ण से कंठ, कंठ से आ गया जिह्वा, जिह्वा से लार टपकना, स्टिबनम रक्त पित्त से कफन उन्मोषित, फिर सिर से लुंठनम तृष्णा निद्रा नाश हृदय, सिर के तरफ चला गया ऊपर की ओर। फिर देखो श्वेत मूत्र पुरी सणम चिरा दर्शन अल्प, श्वेत मूत्र पुरी मीन्स दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि श्वेत मूत्र पुरुष का दर्शन हो जाएगा तो ज्वर का कम हो जाएगा, ये समदर्श सन्निपात ज्वर है, मीन्स थोड़ा सिवियर कंडीशन है, तो श्वेत मूत्र पुरुष का दर्शन नहीं होगा। कृशत्व नाति गात्राणाम, ठीक है, प्रत्यतः कंठ कुजनम, ठीक है, वो बताए हैं। फिर कोठनाम श्याव रक्त नाम, जो स्किन में क्या आ जाएगा, सारे चकते चकते हो जाएगा, जैसे उदर उदर में, जैसे कोठानाम श्याव रक्तानाम मंडल आनाम च दर्शनम, ऐसे चकते चकते गोल गोल जैसे सभी स्किन लेजन उत्पन्न हो जाएगा। फिर मुकत्व श्रोतसाम पाक गुरुत्व उदर से च, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि उदर में गुरुता आ जाना, मुकत्व होना, सारे लक्षण जो है। चिराच पाकश्च दोषणाम, दो जो दोष है वो बहुत लेट में उसका पाचन होता है, ठीक है, पाचन हो जाएगा तो जोर ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें जो इतना पाचन जो है, पाक जो है, नहीं होता इजीली, ठीक है। फिर सन्निपात ज्वर का जो है कुछ असाध्य लक्षण बताए, ठीक है, टोटल सन्निपात ज्वर जो है कितना है, 13। तो ये सारे सन्निपात ज्वर का साध्य असाध्यता बताते जाकर यह बताया कि दोष विबद्धे, जिस कंडीशन में दोष विबद्ध होकर है, जो निकल नहीं रहा है, उस कंडीशन में असाध्य होगा, और क्या है, विवध है नष्ट अग्नौ, जिसका अग्नि नष्ट हो गया है, और सर्व संपूर्ण लक्षण, सारे लक्षण जिसमें दिख रहा हो, उस कंडीशन क्या होगा, असाध्य होगा। इसके बदले में बाकी सारे कंडीशन क्या होगा, कुचर साध्य, मीन्स नॉर्मली क्या होता है, सन्निपातित ज्वर जो है वो कुचर साध्य होते हैं, लेकिन सपोज किसी में ये तीनों लक्षण मिल रहा है, मीन दोषो विबद्ध है नष्ट अग्नौ और सर्व संपूर्ण लक्षण हो रहा है, तो क्या होगा, वो असाध्य हो जाएगा, ठीक है, याद रखना ईजी है। तो चलिए अभिघात ज्वर का लक्षण, ये अभिघात अभिसंग, ये सही हम कल से पढ़ेंगे, इतना तक पढ़ लेना कि शनिपात ज्वर तक पढ़ लेना, बाकी कंटिन्यू करेंगे इसको, एक क्लास में इसमें खत्म करेंगे इसको, ज्वर का जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है बहुत, ऐसे लॉजिकली क्वेश्चन में आते हैं, और इस तरह का जो है असर्शन रीजनिंग वाला भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारा पजल क्वेश्चन देगा,
और जो है ज्यादा टेंशन लेने लगा है, ये जो नया गजट जो आया है NCSM का, उसमें दिया गया है कि सपोज इस साल अप्रैल में दिया गया कि अप्रैल में AIPGT होगा, लेकिन इस साल जो है तो अप्रैल में नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कुछ जो प्रोसेस होता है जो एग्जामिनेशन का, उस प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसमें स्टार्ट होने में थोड़ा लेट होगा, तो मुझे नहीं लगता कि अप्रैल में हो जाएगा, इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा लेट होगा इस साल शायद, ठीक है, लेकिन माइंड में ऐसा कर रखना है कि अप्रैल तक एग्जाम है, तो उससे उसी हिसाब से हमको प्रिपेयर होना है, ठीक है। जो है कोर्स हमारा सपोज फेब्रुवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा कोर्स, और रिवीजन भी कर लेंगे, लेकिन बाकी उसके बाद भी 2 महीने हैं जिस हिसाब से पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है, और उसके टाइम में ज्यादातर क्वेश्चन करना है, एग्जाम देना है, ज्यादा ज्यादा टेस्ट देना है, और उसके साथ पढ़ाई भी करना है पूरा। अभी भी जितना हो सके एक चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होता है ये इसका आई रिक्वेस्ट का, बाकी जिसमें भी हो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ट्राई करो, ज्यादा जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही क्लैरिफाई आएगा, जितना इतना क्लियर कट हो जाएगा माइंड में सारी चीजें, जो कंफ्यूजन होता है ना वो क्वेश्चन देकर वो कंफ्यूजन नहीं होगा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो अभी से जाओ उसमें पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना हो सके, चैप्टर वाइज क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब हमारा सिलेबस जब 60-70% कवर हो जाएगा, तो उसके बाद सेट देगा ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना 50-60 से जब हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता रहना, जो पारी का जितना भी क्वेश्चन सेट है वो सब करना है, अभी से कर लोगे तो क्या होता है कि इजी हो जाएगा, लास्ट में ऐसे करना नहीं पड़ेगा कि हाँ कंप्लीट ही करना है, बस क्वेश्चन करते रह जाएगा, इस तरह का नहीं होना है, ठीक है। अभी से थोड़ा पारी का क्वेश्चन स्टार्ट कर लो, एक एक सेट कर लो, कितना क्वेश्चन हो रहा है, सपोज जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सपोज हम नहीं पढ़े हैं और जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको एक राउंड करके रखना है, ठीक है, और जो जो क्वेश्चन आ रहा है अभी उसको राउंड नहीं करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन अभी आ रहा है वो बाद में भी आएगा, ठीक है, जो जिस जितना हम पढ़ लिए हैं बाद में रिवीजन भी होता चलेगा सब कुछ, ठीक है, और जितना भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसको रिवीजन करता रहना है, मैं बीच बीच में ऐसे सूत्र स्थान से भी पूछ लूंगा और चसारे स्थान में पूछ लूंगा, इस तरह का करूंगा, ठीक है, इस हिसाब से पढ़ना। बाकी जो है मेरे हिसाब से अभी से तुम पारी का भी एक एक क्वेश्चन सेट करते रहो, और जो जो नहीं आ रहे राउंड करके रखो, जब सेकंड राउंड में जब रिवीजन होगा, मीन सेकंड राउंड में जब पढ़ोगे पारी को, जो जो राउंड किए थे उसी को ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के पहले सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ सकते हो, जो जो क्वेश्चन सपोज मीन्स बहुत ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बुक में नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को राउंड करके रखना है, वो उसका AGT आंसर जो दिया गया वो उसका रखना है, याद रखना है, ठीक जी है। सर, और जो जो नहीं आ रहा है उसी टाइम में, सपोज हम पढ़ लिए हैं लेकिन तब भी हमें याद नहीं है, वो क्वेश्चन को भी राउंड करना है, ठीक है, टोटल यस हम सर, 3 फेज में वो पारी क्वेश्चन खत्म करेंगे, पहला अभी जो फर्स्ट राउंड में है वो मीन्स ऐसे कुछ ऐसे जो भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उस सपोज उसमें से ही बहुत सारा गलती होगा वो भी राउंड करना है, और बाकी पूरा जो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है बहुत सारा बुक में नहीं है, उस तरह का क्वेश्चन भी है उसको भी राउंड करना है। तो इस बार में जितना भी सपोज 100 क्वेश्चन में से तुम्हारे सपोज आ जाएगा, मुझे लगता है कि 30-40 क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, 60 क्वेश्चन आ जाएगा, 40 क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 40 क्वेश्चन को राउंड करके रखना। सेकेंड राउंड में जब सब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड राउंड तब होगा, तब क्या होगा उसमें से 20 क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, 20 क्वेश्चन तुमको आएगा उस टाइम में, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन को इरेज कर देना, उसमें पेंसिल में करना, जैसे बाद में इरेज हो जाए, तो 20 क्वेश्चन इरेज हो जाएगा, तुमको आ जाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन देखोगे हाँ आंसर इसको मुझे पता है, ठीक है, तो उस तरह का 20 क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, बाकी रहेगा 20 क्वेश्चन, तो एवरी सेट में 10-20 क्वेश्चन रहेगा जो इसमें AIPGT के पहले उसको पढ़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूरा आउट ऑफ सिलेबस है और उसमें बुक में भी नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन है, तो उस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो याद रखना है वो।
एक क्वेश्चन का वैल्यू बहुत है, तो उस हिसाब से याद रखना। हाँ, बाकी चिकित्सा स्थान आ गया है तो इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि बहुत डाटा बहुत है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि चिकित्सा स्थान है कम क्वेश्चन, ऐसे नहीं है। लेकिन वो आजकल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत एसर्शन रीजनिंग में एक दो पॉइंट दे देता है, ठीक है, निधन स्थान में 1 पॉइंट, चिकित्सा स्थान से 1 पॉइंट, और इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। चिकित्सा स्थान में बहुत क्वेश्चन आता है, इस तरह का नहीं आएगा, ठीक है, एक दो नहीं, बहुत क्वेश्चन आएगा। तो इसको भी ध्यान देकर अच्छे से याद रखना, और डाटा बहुत है, इसको तो पढ़ना ही है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो अभी से थोड़ा ध्यान दे देखिए, याद रह जाए सब, जी सर, ठीक है। ओके सर।